हाँ तो पहले मैं काम करता हूँ, एक छोटा सा पहले मतलब कैलकुलस, अभी ये काइनेमेटिक्स से एकदम लास्ट का पार्ट है, मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट इसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो गाइस होता क्या है कि अब काइनेमेटिक्स ऑलमोस्ट एंड होने को आया, ठीक है, ऑलमोस्ट अभी मतलब आज एक दो लेक्चर बचे हुए, आज का और एक अगला लेक्चर बचा हुआ, उसके बाद अपना काइनेमेटिक्स एंड हो जाएगा। जो अगला टॉपिक चालू होगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वो कंपैरेटिवली बहुत इजी है, मतलब आगे का जो फिजिक्स है, अभी आगे के दो चैप्टर मतलब आगे का 2 महीना आपको इजी जाने वाला है, ठीक है। जो जो मैथमेटिकल जो डिफिकल्ट पार्ट था अब तक, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी तक क्या किया है, स्केलर वेक्टर, कैलकुलस, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक ये सब कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि उसमें बहुत सारा मैथ इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आगे मैथ इन्वॉल्व नहीं है, पूरे मैकेनिक्स में मैथ इन्वॉल्व है, लेकिन अगला वाला पार्ट मैकेनिक्स का इजी होता है, ठीक है। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर भी अगेन 7-8 लेक्चर्स लगने वाले, 7 से 8 लेक्चर्स लगेंगे, ठीक है। मतलब 1 महीना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अपना जाएगा, लेकिन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट, मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन दोनों कंबाइन होगा उसमें, ठीक है। 2 चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा फिजिक्स समझने के लिए, और वो चैप्टर कंपेरेटिवली काइनामेटिक्स से बहुत ज्यादा इजी है, तो आपको मजा आने वाला, ठीक है गाइस। यस, मेन चैप्टर बोल सकते हैं हम लोग फिजिक्स का। चलो तो गाइस ये वाला जो पार्ट है, मैं वापस बोल रहा हूँ, इसके रिकॉर्डिंग आपको बार 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 देखने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ लोग का यहाँ पे मैथ्स वीक होता है, खास करके नीट वालों का, नीट वाले स्टूडेंट्स का मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है, तो उनको काइनेमेटिक्स एंड ग्राफ समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। तो गाइस कोई दिक्कत नहीं, आप वापस एक बार उसको जब रिविजन या वीडियो लेक्चर देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख लो, काइनेमेटिक्स मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, कैलकुलस, ठीक है। तो अब ये जो कैलकुलस वाला पार्ट है, पहले मैं आपको ना ये एकदम सिंपल चीज आपको मैं बता देता हूं, पहले कैलकुलस कैसे यूज होता है यहाँ पे, कि कैलकुलस क्या है। अब एक सिंपल सा मैं आपको पहले बोलता हूं, दो चीजें होती है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, आपको सबको पता है, डेरिवेटिव याद करो जरा, ठीक है। डेरिवेटिव क्या होता है, वाई इज इक्वल टू मुझे एक्स टू पावर एन, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, व्हाट इज डेरिवेटिव, व्हाट इज डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है, सो डीवाई बाई डी एक्स नथिंग बट स्लोप, ठीक है। तो स्लोप वो बाद में अपन वर्ड यूज करेंगे, पहले मुझे डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। सपोज मैंने बोला डेरिवेटिव कोई कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट, तो मुझे होता है व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट, डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये छोटा मोटा बेसिक डेरिवेटिव तो आपको सबको पता है। अब मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, वाई इज इक्वल टू, जैसे मैंने बोला 2x3 + 4x + 2, इसका मुझे बताओ डेरिवेटिव बताओ, डीवाई बाई डी एक्स बताओ क्या होगा, डीवाई बाई डी एक्स 2x3 + 4x + 2, तो आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 6x2, याद है 6x2, डेरिवेटिव ऑफ 2x3 इज 6x2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4x इज 4, एंड डेरिवेटिव ऑफ 2 इज कितना, 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये 2 का जो डेरिवेटिव है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0, ठीक है। तो गाइस ये सबको याद है, इतना डेरिवेटिव वाला पार्ट इतना याद है क्या सबको, बताओ मुझे, मतलब ये वाला फॉर्मूला अपने को लगाना है एन एक्स एन माइनस वन, अब ये तो सबको आना चाहिए गाइस, ठीक है, इसमें कोई पंगा नहीं है, ठीक है। अब क्या है गाइस, हम लोग क्या करने वाले, मैं एकदम सिंपल मतलब आगे जाने के पहले, मतलब जनरली डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले आपको याद करो, ठीक है। एक्स कितने फॉर्मूले, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद है थोड़े से, ठीक है, जितने भी नौ नौ फॉर्मूले थे, ठीक है। फिर डेरिवेटिव, फिर वो मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, अपने को डेरिवेटिव इसी इतने ही लेवल का भी अभी काम का है, इससे ज्यादा हम लोग डेप्थ में नहीं घुसने वाले, सिंपल वाला डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, ठीक है। वो चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल अभी के लिए मतलब ठीक है, वो याद रहना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, ये इतना याद है आपको सबको, ठीक है, इतना सबको याद है। तो एक काम करते हैं गाइस, गाइस सब लोग यहाँ पे देखो, अब मैं कुछ चीजें जो पूछ रहा हूँ, पहले एक छोटे से कुछ एग्जाम्पल, एक रिविजन टाइप, ठीक है गाइस, रिविजन जो मैं बोल रहा हूँ इसके फटाफट फटाफट डेरिवेटिव आपको ढूंढ के रखना है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर
प्लस 4t माइनस 5, ठीक है। अब यहां पे देखो y के जगह s हो गया, x के जगह t हो गया, v इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और लेते a इज इक्वल टू सपोज टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें इसमें फाइंड ds अपॉन dt, डेरिवेटिव निकालना है, ds अपॉन dt निकालना है, ठीक है। यहाँ पे dv अपॉन dt निकालना है और यहाँ पे dA अपॉन dt निकालना है। चलो करो फटाफट जरा, ठीक है, एकदम इजी है, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें गाइस, इजी है। क्या करेंगे इसमें आप में से कितने लोग जिन्होंने कैलकुलस का मेरा लेक्चर अटेंड किया ही नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं जो मेरा कैलकुलस का लेक्चर नहीं अटेंड किया हुआ, हैंड रेस कर लो जरा, हैंड रेस कर लो जरा, देखने दो। ओके, जो जिन लोगों ने मेरा कैलकुलस का लेक्चर अटेंड नहीं किया है गाइज, आपको आइदर कैलकुलस की रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, सुनो गाइज, आइदर आपको कैलकुलस की, जितने भी लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है जिन्होंने कैलकुलस का लेक्चर मेरा देखा नहीं है, तो आपको ये आज समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आप लेक्चर ऐसे ही बैठ लो, जितने भी लोगों ने हैंड रेस किया जिन्होंने कैलकुलस का लेक्चर मेरा अटेंड नहीं किया है गाइस, ऐसे ही बैठ लो, जितना समझ में उतना समझ में है, ठीक है। जाके कैलकुलस का रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है, एक ऑप्शन है आपके पास, या सेकंड बैच में शिफ्ट हो जाओ, या फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा आपको, बेस्ट जाके कैलकुलस का रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है। ये तो आपको एक महीना और वेट करना पड़ेगा, सेकंड नए बैच में, नए बैच में कैलकुलस एक महीने के बाद आएगा, ठीक है। चलो ds अपॉन dt, यहाँ पे मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल सी बात है यार, s के जगह t है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2t, डेरिवेटिव ऑफ t क्या होता है 1, तो 2t प्लस 4, डेरिवेटिव ऑफ 5 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, ठीक है, बिल्कुल। dv अपॉन dt मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या है, 3t square माइनस t square का डेरिवेटिव 2t, तो इसमें कितना आएगा माइनस 6t, डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0, ठीक है। अब यहां पे देखो a और t square है, मतलब अब यहां पे देखो d upon dt क्या आएगा 2t, डेरिवेटिव ऑफ 2t कितना होगा, t का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2, 2 का डेरिवेटिव 0, ये समझ में आया सबको गाइस, इतना याद आया क्या, इतना याद आया क्या, मुझे बताओ यहाँ पे इसका मतलब क्या है, y और x, हम लोग जनरली जब मैंने डेरिवेटिव आपको करवाया था तो सब जगह पे मैंने y इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि पहले मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लिखता था, अब सिंपल यार y के जगह मैंने क्या डाला, सिर्फ x डाला, मैंने सिंबल बदल दिया, अरे कुछ भी डाल सकते हैं यार, x के जगह मैंने t डाल दिया, काम खत्म, बाकी सब कुछ ऐसे रखा, सेकंड में y के जगह v, x के जगह t, y के जगह a, x के जगह t, बस ये कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये तो हम लोग कर ही सकते हैं, dy by dx एकदम सिंपल वाली चीज है, ठीक है गाइस, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dx क्या हो जाएगा 2x plus 4, देखो ना सेम है ना, बस क्या कर रहा हूं मैं, ये जो है y के, ये जो है ये y है और ये t जो है उसके जगह x है, काम खत्म। तो हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, आपका काम है भाई, आपका नाम, आपके इनिशियल्स भी डाल सकते हो, ठीक है। अब मैंने जानबूझ के ये वाले ये क्यू यूज किया मैंने आपको मैं बताऊंगा, ठीक है गाइस, क्यू यूज किया मैं आपको बताऊंगा गाइस, इतना मुझे होता पहले समझ में आता है, ये वाला डेरिवेटिव वाला पार्ट क्लियर है सबको, ठीक है। अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला पार्ट, थोड़ा सा इंटीग्रेशन, देखो जो काम का है उतना ही मैं रिविजन करवा रहा हूँ, बाकी तो अपने कैलकुलस का मैंने आपको बोला था, मैंने मैसेज भी भेजा था कि कैलकुलस थोड़ा सा देख के आओ, ठीक है, क्योंकि ये आज के अभी के जो दो लेक्चर्स होंगे थोड़े से डिफिकल्ट होंगे गाइस। सो इंटीग्रेशन में थोड़ा सा याद करो, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था, मेन फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, क्या फॉर्मूला था बताओ मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स टू द पावर क्या, एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन, याद है क्या ये, प्लस सी प्लस कॉन्स्टेंट, वो छोड़ दो, ठीक है, ये याद है पहले फॉर्मूला,
हाँ तो मुझे होता है इंटीग्रेशन ऑफ, सब लोग यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होगा, याद करो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होगा, एक्स टू पावर 2+1 डिवाइड बाई 2+1 मतलब एक्स टू पावर 3/3, याद करो एक्स टू पावर 3/3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स डीएक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1+1 डिवाइड बाई 2 राइट, इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली डीएक्स क्या होगा, डीएक्स चलो 2dx क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2dx क्या होगा, 2 इंटीग्रेशन के बाहर होता है, इंटीग्रेशन dx इज x, तो यहां पे आंसर क्या है 2x, याद है कि नहीं ये सब, अरे याद है कि नहीं है, पहले मुझे तो इतना तो याद है, वो बाकी वाले और 9 फॉर्मूले, जितने 9 डेरिवेटिव के फॉर्मूले थे वैसे 9 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले थे, सबको याद होगा ठीक है। अब मुझे इसका बताओ इंटीग्रेशन, ये आप लोग करोगे इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने बोला चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx, मुझे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो ऐसा जब होगा इसका 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 सबका अलग अलग, सबका अलग अलग करो और बताओ क्या होगा आंसर, इसका इसका और इसका सबका अलग अलग करो और आंसर बताओ कितना होगा, सिंपल यार एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला दिमाग में रखना, एक्स टू पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx क्या था फॉर्मूला इसका, यस बिल्कुल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या है 2 तो ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो मुझे तो 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ अब ये डेरिवेटिव भाई फाइव का डेरिवेटिव 0 होता है इंटीग्रेशन नहीं, ध्यान में रखना, तो फाइव तो फाइव रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, तो आंसर क्या आएगा 5x, सबको याद है अभी, सबको याद आ गया इंटीग्रेशन, थोड़ा बहुत याद आ गया सबको, थोड़ा बहुत क्या पूरा याद आना चाहिए, जिन लोग को याद नहीं आया उन्होंने पढ़ा नहीं है ठीक है जी, मैं वापस बता रहा हूँ आज का टॉपिक कैलकुलस है, सपोज आपने कैलकुलस को मतलब कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स आपने सपोज कैलकुलस अच्छे से पढ़ा नहीं है याद नहीं है तो आपका लेक्चर समझ में नहीं आएगा, तो ये दो लेक्चर आज का लेक्चर और मंडे का लेक्चर ये दोनों लेक्चर आपको क्या करना है, जिन लोगों का कैलकुलस नहीं हुआ है प्लीज कैलकुलस देख लो, एक हफ्ता है आपके पास, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से इसका कोई लेना देना वैसे है नहीं, वो अपना अलग से चलेगा, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन मतलब आगे का एक महीना, तो एक महीने में आप क्या करो, जिन लोगों का कैलकुलस नहीं हुआ है मैं वापस बोल रहा हूँ सब लोग ध्यान से सुनो, जिन लोग का कैलकुलस नहीं हुआ है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव मेरे लेक्चर में बैठे ही नहीं हूं ठीक है, वापस एक बार हैंड रेज करो मुझे देखना है, मुझे स्क्रीनशॉट लेता हूं, सब लोग हैंड रेज करो जो लोग मेरे कैलकुलस के लेक्चर में बैठे ही नहीं थे, हैंड रेज करो जो मेरे कैलकुलस वाले लेक्चर में बैठे नहीं थे, मतलब पूरा एक महीना उन्होंने मिस किया है, हैंड रेज कर लो गाइस, हैंड रेज कर लो मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, हैंड रेज कर लो क्योंकि आपको सब लोग को मतलब प्रॉपर तरीके से कैलकुलस देखना पड़ेगा ठीक है, और कैलकुलस देखने के बाद ये दो रिकॉर्डिंग आज बैठ जाना, जितना भी समझ में आता है उतना समझ में आता है, आज बैठ के कैलकुलस की रिकॉर्डिंग देखो वापस से पूरा का पूरा दोनों लेक्चर देख लेना, आपके पास एक अराउंड 10 दिन है, 10 दिन का मैं टाइम देता हूं आपको, 10 दिन में कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज है ठीक है, खास करके जेई मेन एंड जेई एडवांस वालों के लिए, इवन नीट में भी कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर ठीक है, चलो तो ये चीज हो गया, ये चीज सबका हो गया, समझ में आ गया आपको ठीक है, चलो अब मुझे बताओ x के जगह में कुछ भी डाल सकता हूँ भाई, यहाँ पे x है ना कुछ भी डाल सकता हूँ, इतना ध्यान में रखना ये x है तो ये dx होना चाहिए, मतलब ये x है और dx ही होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सब लोग देखो इंटीग्रेशन ऑफ, सब लोग यहाँ पे देखो, हाँ पहले मुझे एक छोटा सा, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी, देखो टी स्क्वायर डी टी और यहाँ पे सब मैंने लिमिट डाला 0 से 2, इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट, याद है इंटीग्रल 0 से 2 टी स्क्वायर डी टी, क्या होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होगा, अब टी डी टी है कोई दिक्कत नहीं चलेगा, तो टी क्यूब डिवाइड बाय क्या, टी क्यूब डिवाइड बाय क्या 3, अब यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट चढ़ाते हैं अपन ऐसे ऐसे और यहाँ पे 0 डालते हैं, यहाँ पे 2 डालते हैं, फिर एक बार 2 एक बार 0 दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब आंसर क्या आएगा 2³/3 -0³/3, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 8/3, याद है सबको है? ये सबको याद है क्या, हाँ इसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ आप लोग करो, सब लोग गाइस आप लोग करो,
2t प्लस 4 dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 2, बताओ इसका आंसर क्या होगा? 0 से 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 4 dt क्या होगा इसका आंसर? निकालो और बताओ मुझे आंसर क्या होगा। मितांश पिछले वाले लेक्चर में तो था नहीं क्या? हैंड रेस करो बाकी लोग, हैंड डाउन कर लो बाकी लोग। सब लोग आंसर अपने चैट बॉक्स में डालो, मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ आंसर। कुछ लोग का आंसर गलत है, सही आंसर है 12, सही आंसर है 12। क्या करेंगे? 0 से 2, 2t प्लस 4। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे गाइस, यहाँ पे सिंपल 2t प्लस 4 dt इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 2t मतलब क्या? 2t स्क्वायर अपॉन 2। अरे इसका इंटीग्रेशन अलग से करो, इसका अलग से करो, प्लस 4t। सबको पहले समझ में आया? पहले इसका इंटीग्रेशन करो। देखो 4t का इंटीग्रेशन क्या होता है? 4t। 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2t स्क्वायर बाय 2। 2 2 कैंसिल, ठीक है? तो यहाँ पे 2 कैंसिल कर दिया मैंने, तो टी स्क्वायर रख दिया। पहले मुझे बताओ ये इंटीग्रेशन सबका आया जो मैंने यहाँ पे लिखा है अभी, टी स्क्वायर प्लस 4t, पर इसके अंदर ब्रैकेट चढ़ाओ, ऐसे ब्रैकेट चढ़ाओ, उसके बाद 0 2, एक बार 0 एक बार 2, तो एक बार 2 डालो इसके अंदर, तो क्या आएगा? 2 स्क्वायर प्लस 4। देखो मतलब किसी को लिखना है इसलिए मैं आपको लिख रहा हूँ, 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, ये एक बार होगा। एक बार 2 डालो, एक बार टी के जगह 0 डालो, तो माइनस, अब 0 लेंगे तो 0 0 आंसर आ जाएगा, 0 प्लस 0 तो 0 ही होगा, ऑब्वियस की बात है, ठीक है। अब 4 प्लस 8 आंसर कितना आएगा? 12। 4 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आएगा? 12। समझ में आ रहा है गाइस? सबको समझ में आ रहा है? मतलब एटलीस्ट थोड़ा सा मतलब रिवीजन हो गया। अब यही सब कुछ करना है। अब मैं देखो मैं क्या करता हूं, आपने देखा होगा मेरा थोड़ा स्टाइल, आपको समझ में आया होगा। पहले मैं कुछ ना कुछ ऐसे मैथमेटिक्स कराता हूं, ठीक है? मैं मैथमेटिक्स कराता हूँ, फिर उसको फिजिक्स में जोड़ देता हूँ, ठीक है? फिर आपको इजी लगता है, आपको लगता है अरे वाह हो गया हमारा, तो ऐसे ही करने का कहीं। अब ये हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ, मैं आपको जो इंटीग्रेशन अभी देता रहूं वो आप करो, ठीक है? ये जो मैं अभी आपको दे रहा हूं ये पहले इंटीग्रेशन इसके करो, दो इंटीग्रेशन मतलब आपको दिमाग में आ जाएगा, ठीक है? इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से 3t स्क्वायर प्लस 4t dt, इसका भी इंटीग्रेशन कर लो 0 से लेके 2, फिर यहां पे इंटीग्रेशन कर लो, टू टी प्लस 1 dt, ठीक है? इसमें इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 करो, ये लास्ट के क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे गाइस। जरा लिखो इसको, मतलब करो सॉल्व। पहले का आंसर कितना आएगा, सेकंड का आंसर कितना आएगा, दोनों का आंसर फटाफट निकालो, कैलकुलेशन भी आपका फास्ट होना चाहिए और चैट बॉक्स में आंसर डालना चालू करो। और एक चीज जो मैंने आपको बोली थी याद रखना, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव के दो फॉर्मूले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होने चाहिए। बाकी सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 3t स्क्वायर प्लस 4t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है भाई? ये जो 3t स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 3t क्यूब बाय 3। अरे भाई
तो 3-3 तो कैंसल, 4t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4t² / 2 लिमिट फ्रॉम 0 से लेके 2। तो पहले जो 3-3 कैंसिल कर दो, यहाँ पे ये 3 और ये 3 चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ये 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2। ये आपको जो समझने के लिए लिख रहा हूं मैं, फिर इसमें 2 डाल दो, तो इसमें 2 डालेंगे तो क्या आएगा, 2³ + 2 × 2² राइट, ये एक में आएगा, एक में 0 आएगा, माइनस करके 0 + 0, तो आंसर क्या आएगा, 8 + 8 + 8 आंसर इज 16, आंसर इज 16, सबका 16 आएगा, सबका आंसर 16 आया, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2t² / 2, और 1 का इंटीग्रेशन, अरे 1 तो 1 ही होता है, 1dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा t, ठीक है। अब यहां पे लिमिट डालेंगे गाइस, अब यहां पे देखो लिमिट क्या क्या है, 0 से लेके t है, 0 से लेके t लिमिट है, तो एक में t डालो तो ये खुद ही t रहेगा, t² + t, और एक में 0 डालो तो यहाँ पे -0, तो आंसर क्या आएगा, -0 करेंगे तो t² + t आंसर ये आएगा, बराबर कि नहीं गाइस, बोलो ये सबको समझ में आया, ये दोनों पार्ट समझ में आए, अरे इसमें कोई कांस्टेंट वगैरह नहीं है, कांस्टेंट क्यों ऐड कर रहे हैं भाई, कांस्टेंट थोड़ी होता है इसमें, लिमिट्स में कोई कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, जब भी मैं डेफिनेट डालता हूं तो कोई कांस्टेंट नहीं होता। चलो आगे बढ़ू गाइस, आगे बढ़ू, चलो अच्छी बात है। तो अब दो चीजें आपके दिमाग में रखनी है हमेशा, y = x^n, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाट इज dy/dx, फॉर्मूला nxn-1, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ x^n dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x^n+1/n+1, ये दो फॉर्मूला में कंफ्यूज मत होना, देखो dy/dx इज nx, ये n करके x n-1, इसका क्या होता है n+1/n+1, दोनों में कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है, और बहुत ज्यादा अपने को लगने वाले। फिर छोटी छोटी चीज है, मतलब दोनों को मैं कंपेयर कर दूं तो कभी भी ध्यान में रखना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला y = 5, कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव dy/dx क्या हो जाता है, 0 होता है। फिर मैंने बोला y = सपोज मैंने कुछ लिखा 4x, तो इसका dy/dx क्या हो जाएगा, 4। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको दिमाग में रखनी है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 5dx, अब ध्यान में रखना यहाँ पे कभी 0 मत लिखना, यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, तो यहाँ पे आंसर आएगा 5, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें है कि जो आपको परेशान कर सकती है, जिसमें आपका आंसर गलत आ सकता है। हाँ, प्लस कांस्टेंट लिखना है यहाँ पे, लेकिन अभी लिखेंगे नहीं अपन, क्योंकि अपन तो डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करने वाले, आपको समझ में आएगा, ठीक है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आ जाएगा। तो ये जो चीजें छोटी छोटी वो दिमाग में आपको रखनी है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज मैंने x² + 2 dx जब मैं लिखता हूं, तो x² का अलग इंटीग्रेशन, विच इज x³/3 प्लस 2 का अलग 2x, ठीक है। अब यहाँ पे x, y, इन सब जगह के अपन कुछ भी टर्म्स यूज कर सकते हैं। तो गाइज ये मैंने अब तक बताया, इससे आपका थोड़ा सा इंटीग्रेशन एटलीस्ट जो अपने को लगने वाला है आज, वो क्लियर हो गया। ग्राफ के लिए मैं और एक छोटा सा रिविजन कराऊंगा, ग्राफ वाला, स्लोप और एरिया अंडर द कर्व वाला मैं रिवाइज करूंगा, लेकिन वो 1 घंटे के बाद, ठीक है। सो गाइज अभी 3 बजे तक, ठीक है, 3 बजे तक हम लोग थोड़े से डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के चीजें यहाँ पे अच्छे से अपनी, मतलब अच्छा कंसेप्ट बनाएंगे, ठीक है। लेक्चर के एंड में मैं आपको ग्राफ इंट्रोड्यूस कर दूंगा कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ थोड़ा सा मुश्किल चीज होती है, ठीक है। आज शायद से एडवांस नहीं हो पाएगा गाइस, आफ्टर ब्रेक, मतलब आज एडवांस नहीं हो पाएगा, ठीक है। एडवांस मतलब क्योंकि एडवांस अपने को अगले लेक्चर में होगा, क्योंकि आज एडवांस वाली चीजें नहीं हो पाएगी, ठीक है, मंडे को एडवांस होगा। हाँ, एडवांस करा देंगे भाई। श्रेय, क्या हो रहा है कि अभी पहले तो हम लोग एडवांस के लेक्चर रुका के रखे हुए रात शाम के, क्योंकि सीईटी एग्जाम है 21st को, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करें, एंड एंड में एडवांस ले रहे, वो 21st एग्जाम के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे सीईटी के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं, कुछ लोग आप में से, ठीक है। तो वो हम लोग को एक्स्ट्रा बर्डन आपको नहीं देना, और इवन सुबह भी क्लास चल रही है, कुछ लोग की शाम को भी क्लासेस है, अपने 10 की क्लासेस अलग अलग जगह पे चल रही है, तो खाली फुकट अपने को उसमें तकलीफ नहीं देनी है, ठीक है।
अब सीईटी कैंसिल होगी नहीं होगी पता नहीं, अपने को भरोसा नहीं उनका कुछ भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, ठीक है अपने के अपना पढ़ते रहने का, ठीक है चलो। चलो अब यहाँ पे देखो सब लोग, गाइस यहाँ पे सब लोग देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, अब मैं आपको दो तीन चीजें बोलता हूं, ठीक है अब मैं आपको दो तीन चीजें बोलता हूं, ये तीन चीजें क्या है आपको ऑलरेडी पता है, उसके बाद में इसको डिफाइन करता हूं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी क्या होता है, व्हाट इज वेलोसिटी? हम लोग ने आपको एक सिंपल सी चीज बोली थी, मतलब एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, ठीक है एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड क्या लिखते थे हम लोग, क्या लिखते थे? एवरेज 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 के लिए क्या लिखते थे आपको याद करो, मैं जब एवरेज लिखता था वी एवरेज तो हम लोग क्या लिखते थे, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता था एवरेज, याद है? फिर उसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग क्या लिखते थे, व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पे वेक्टर का टर्म नहीं डालता, मतलब यहाँ पे वेक्टर्स भी है, आइदर आप स्पीड या वेलोसिटी दोनों लिख सकते हो, वेक्टर का टर्म अभी एट प्रेजेंट में नहीं डाल रहा हूं, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये था एवरेज, तो मैंने एक चीज आपको बोली थी, जब कोई भी पार्टिकल जैसे अभी मैं यहाँ पे ट्रेवल कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है, तो अब देखो मैं ऐसा ऐसे इधर से निकला, सब लोग यहाँ पे देखो, इधर से मैं निकला इधर तक गया, लेट्स से मैं 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 मीटर टोटल डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, टोटल टाइम 2 है, तो टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एवरेज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एवरेज। लेकिन यहाँ पे मैं जब जा रहा था तो किसी ने बोला इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जब मैं यहाँ पे खड़ा हूं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपका स्पीड कितना होगा, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपका स्पीड कितना होगा, क्या सपोज आप जब निकले, आप निकलने वाले इंस्टेंट पे कितना स्पीड है बताओ मुझे, जब मैं जस्ट निकला तब स्पीड कितना था मेरा, जब मैं जब जस्ट निकला तब मेरा स्पीड कितना था, जीरो था। जब मैं यहाँ पे गया कुछ मेरा स्पीड अलग होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा, हर एक इंस्टेंट पे मेरा स्पीड अलग है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो भी होगा। तो टर्म जो यहाँ पे था इंस्टेंटेनियस, वी इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इज इक्वल टू, ये मैंने बहुत पहले भी डिफाइन कर चुका हूं मैं, डेल्टा एस के जगह हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, ये था बड़ा डिस्प्लेसमेंट, हम लोग क्या लेंगे, बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही छोटे डिस्प्लेसमेंट का क्या बोलते हैं हम लोग, डी एस, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डी एस, वेरी स्मॉल टाइम इज कॉल्ड dt। तो ये मेरा पहले तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, ds अपॉन dt हो गया। सिमिलरली मुझे होता है एक्सेलरेशन भी क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस, कोई भी इंस्टेंट का एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा v के जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन, वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, dv अपॉन dt। समझ में आ रहा है गाइस, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये तो दो चीजें हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, v इज इक्वल टू डीएस अपॉन डी टी, ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी। दिमाग में आया, सबके दिमाग में आया? अब मैं और एक आपको बोलता हूं गाइस, सब लोग यहां पे देखो, सब लोग यहां पे देखो इस ए को, अब तीसरा वाला, ठीक है अभी लिखो मत, लिखो मत, पहले यहां पे देखो। अब मैंने लिखा ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी, ठीक है। अब इसको हम लोग बोलते चेन रूल, मैंने आपको अभी चेन रूल लिखवाया नहीं, लेकिन अभी ये जो दिख रहा हूं मैं चेन रूल है, ए इज इक्वल टू, अब यहां पे मुझे बताओ डीवी अपॉन डीएस एंड डीएस अपॉन डीटी, सपोज मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल, ये होता है इसको, मतलब अपने इसमें लिखते चेन रूल, लेकिन अभी आपको फॉर्म डायरेक्टली काम करना है। कुछ लोग बोलेंगे सर डीएस डीएस कैंसल डीवी अपॉन डीटी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिकली आप ऐसी कर लो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ व्हाट इज डीएस अपॉन डीटी, क्या था, व्हाट इज डीएस अपॉन डीटी, डीएस अपॉन डीटी को क्या बोलेंगे, अरे डीएस अपॉन डीटी को क्या बोलेंगे, अरे भूल गए क्या, डीएस अपॉन डीटी को क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी बोल सकते हैं, वी। तो मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या आ गई, फिर ए की वैल्यू क्या आ गई, यहां पर इसको वी बोल दिया, तो डीवी अपॉन डीएस इंटू वी, वी आ गया ना, हाँ मतलब इसका मतलब यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ए को हम लोग क्या लिखेंगे, v dv अपॉन ds। गाइस गाइस ये एक फॉर्मूला आ गया, v dv अपॉन ds, ये एक एक्सप्रेशन आ गया, बहुत ही काम का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो कितने एक्सप्रेशन मैंने बॉक्स में लिखे बताओ मुझे, ये वाले पेज में और ये वाले पेज में, ठीक है, मैं जो बॉक्स यहाँ पे बना रहा हूँ ध्यान में रखना,
ये एक बॉक्स, ये एक बॉक्स और वो एक बॉक्स, ठीक है, ए इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एच, ठीक है। तो फटाफट पहले तीन चीजें लिखो, फटाफट इस तीन चीजों को लिखो, फिर अपन काम करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। पहले पहले ये लिखो, फिर अपन अगला पेज वाला वापस में एक बार एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये लिखो, पहले इतना लिखो, फिर मैं अगले पेज में वापस जाऊंगा। इसको लिखा तुमने, ये वाला समझा, ए साइज इज डीवी अपॉन डीटी, ये समझा, ठीक है। अब यहां पे सब लोग देखो, वापस देखो एक बार, मैंने क्या बोला, v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डीएस अपॉन डीटी, एक दिमाग में डालो हमेशा, v इज इक्वल टू क्या, डीएस अपॉन डीटी दिमाग में डालो, a इज इक्वल टू डीवी अपॉन डीटी, डीवी अपॉन डीटी दिमाग में डाल दिया, ये भी डीवी अपॉन डीटी भी दिमाग में डाल दिया, ठीक है, ये दो चीज दिमाग में डाल दी। अब तीसरा चीज क्या दिमाग में डालना है वो यहां पे लिखूंगा मैं, रुकिए, उसके पहले मैं यहां पे देखो, a इज इक्वल टू, सब लोग को पता है डीवी अपॉन डीटी होता है, ठीक है। अब इसी को मैं थोड़ा सा तोड़फोड़ के लिखता हूं, डीवी अपॉन डीएस, डीएस अपॉन डीटी, देखो जो लोग को मैथमेटिक्स कुछ जमता नहीं है वैसा समझो कि डीएस डीएस कट हो गया, तो डीवी अपॉन डीटी आ गया। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, एक्चुअल में चेन रूल है, ठीक है, जो लोग चेन रूल समझते हैं उनको समझ में आ गया होगा, ये लिखते हैं ऐसा, डीवी अपॉन डीएस, डीएस अपॉन डीटी, नीट वाले लोग डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट याद रखोगे, ठीक है। अब मुझे तो व्हाट इज डीएस अपॉन डीटी, भाई डीएस अपॉन डीटी को क्या लिखते हैं अपन, डीएस अपॉन डीटी को क्या लिखते हैं, तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे, डीवी अपॉन डीएस को ऐसे ही रहने दो, जो डीएस अपॉन डीटी है भाई उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, v इंटू वी, तो इंटू वी लिख दिया मैंने यहां पे, तो क्या लिखा, डीवी वी बाई डीएस, तो इसको मैं रीअरेंज करके लिख देता हूं, रीअरेंज करके लिख देता हूं, v इधर लिखता हूं, डीवी अपॉन डीएस, कोई दिक्कत है क्या, v डीवी अपॉन डीएस। अब आपको याद क्या रखना है, आपको याद क्या रखना है गाइस, हाँ v इंस्टेंटेनियस का मतलब ही v, जब मैं नॉर्मल v लिखूंगा इसका मतलब ही v इंस्टेंटेनियस, a इंस्टेंटेनियस। तो अब यार कौन हमेशा, तुम मुझे बताओ यार, v इंस्टेंटेनियस हमेशा क्या v इंस्टेंटेनियस लिखते होगे क्या तुम, सीधा इसको v लिख दो, समझ रहे, और कभी भी डेरिवेटिव है तो आपको समझ जाने का कि इसका मतलब v क्या है, v इंस्टेंटेनियस, a क्या है, a इंस्टेंटेनियस, ठीक है। और a के जगह क्या आ गया, v dv अपॉन dx, तो a के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, a के जगह क्या लिखेंगे बताओ, a इज इक्वल टू क्या, v dv अपॉन क्या, dx। तो ये तीन फॉर्मूले जो मैंने यहां पे लिखे हैं सबके दिमाग में गए, दिमाग में गए नहीं, अभी ये दिमाग में एकदम याद रख लो, आज के इसमें पूरे के पूरे इसमें तीन चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। किसी ने आपको बोला काइनेमेटिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट थ्री फॉर्मूले कौन से है, तो ये ऊपर जो लिख रहा है, v इज इक्वल टू डीएस अपॉन डीटी, a इज इक्वल टू डीवी अपॉन डीटी, a इज इक्वल टू v डीवी अपॉन डीएस, काम खत्म। अब मैं गाइस अलग अलग क्वेश्चन आपको करवाता हूं, पहले सब लोग देखो, ठीक है, मैं आपको अभी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों के क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है, दोनों के क्वेश्चन में आपको करना है, पार्ट वो नहीं, सब वी काइनेमेटिकल इक्वेशन भूल जाओ, पहले ये तीनों दिन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है, v इज इक्वल टू डीएस अपॉन डीटी, a इज इक्वल टू डीवी अपॉन डीटी, a इज इक्वल टू v डीवी अपॉन डीएस, सब क्या लिख के हो गया, आगे बढ़ू मैं गाइस, आगे बढ़ू गाइस, ठीक है। तो आपके रेफरेंस के लिए हमेशा मैं फॉर्मूले ऊपर रखूंगा, ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए हमेशा मैं फॉर्मूले से कोने में डाल दूंगा, ठीक है, यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या, ds अपॉन dt, a इज इक्वल टू क्या, dv अपॉन dt, और a इज इक्वल टू, मैं इसकी इक्वली करके रखता हूं, v dv अपॉन ds, ठीक है, ये ऊपर
ऐसे बाजू में रख दिया अपने काम के लिए, मतलब उसको देख के अपने को पता रहना चाहिए, ठीक है। अब गाइस गाइस, पहला एग्जांपल, एग्जांपल वन, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मेरे वर्डिंग ध्यान से सुनो। अ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। मतलब क्या है, अपना पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन, मैं यहाँ पर जो इक्वेशन लिख रहा हूं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू, देखो डिस्प्लेसमेंट वेरीज विद टाइम, इसका मतलब क्या है, ठीक है। एस इज इक्वल टू, मैंने बोला टी स्क्वायर प्लस टू टी, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं इस बार पूरा लिख ही देता हूं, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। जो मैं यहां पे भी आपको दिख रहा हूं वो ध्यान से देखना, अ पार्टिकल ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस, क्या बोला था मैंने, कुछ भी, चलो 4t, ठीक है। फाइन, तो यहां पे देखो, फाइन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t is equal to 4 seconds, at time t is equal to 4 seconds, find the velocity and acceleration of the particle. भाई पहले तो मुझे बताओ, क्या यहाँ पे अपने काइनेमेटिकल इक्वेशन लगेंगे, क्या मैं अपने काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा सकता हूँ, v is equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, मुझे तो पहले काइनेमेटिकल इक्वेशन किसके लिए लगते हैं, क्या कंडीशन है काइनेमेटिकल इक्वेशन की, कंडीशन मुझे बताओ, काइनेमेटिकल इक्वेशन की कंडीशंस बताओ क्या होती है। नहीं, ये भी वन डायमेंशन मोशन है गाइस, ये भी तो वन डायमेंशन मोशन ही है, देखो ना यहाँ पे, ये भी तो 1D मोशन ही है, पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो क्या है गाइस बताओ मुझे, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें, क्यों, मतलब क्यों अपने फर्स्ट वाली इक्वेशन क्यों नहीं लगे, बिल्कुल किसने लिखा यहां पे गाइस, एक चीज दिमाग में रखना, अपने काइनेमेटिकल इक्वेशंस में, यहां पे आपको बता रहा हूं, यहां पे देखो सब लोग, अपने जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये सारे जो इक्वेशन थे, दे आर वैलिड, इसकी जो वैलिडिटी होती है फॉर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए गाइस, अरे वेक्टर कुछ नहीं, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए, अरे एक्सेलरेशन जीरो नहीं होना चाहिए भाई, जीरो नहीं, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये मैं आपको डिराइव भी करा के दूंगा, तो ये वाले इक्वेशन यहां पे लगेंगे क्या, मतलब किसी ने बोला सर वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करेंगे, क्या होगा, गया नहीं गई, ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं गई, ठीक है। बाद में मैं आपको बता दूंगा कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन अपना एक्सेलरेशन से हो सकता है, ये वाला पर्टिकुलर जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो अपना ये फॉर्मूला से हो सकता है, लेकिन अभी उसको भूल जाओ, ठीक है, काम करता हूं मैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देता हूं, s इज इक्वल टू टी क्यूब, चलो s इज इक्वल टू टी क्यूब, मैं अभी आपको क्वेश्चन बदल दिया, यहाँ पे सब लोग यहाँ पे देखो, क्वेश्चन मैंने बदल दिया वापस, x इज इक्वल टू क्या कर दिया, टी क्यूब प्लस 4t, अब बोला है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, देन फाइंड v एंड a एट टाइम t इज इक्वल टू 4, ठीक है, तुमको चाहिए तो पार्टिकल भी मत लिखो, कार लिखो, ठीक है, मतलब रियलिस्टिक क्वेश्चन हो जाएगा, कार इज ट्रेवलिंग along positive x-axis, मतलब one dimension motion ही है, and the displacement equation is given by this,
फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द टाइम टी इज इक्वल टू 4। अब मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा गाइस, अभी फॉर्मूला अपने 3 जो सबसे मेन है, v इज इक्वल टू क्या, v इज इक्वल टू क्या, फॉर्मूला क्या होता है, सपोज मैंने बोला s इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 4t, तो गाइस v क्या होता है, ds अपॉन dt, तो हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे। जैसे मैंने डेरिवेटिव किया, आता है कि नहीं डेरिवेटिव आपको, अरे इसका डेरिवेटिव नहीं आता क्या आपको, अरे v इज इक्वल टू ds अपॉन dt करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, हाँ तो इसका आंसर क्या आएगा, टी क्यूब मतलब क्या, 3t square plus 4, और ये जो चीज होगा ds अपॉन dt को क्या लिखेंगे गाइस, कोई चाहिए तो बोलेगा सर ds अपॉन dt ही तो मेरा क्या होता है, v होता है, तो माय वेलोसिटी बिकम 3t square plus 4। तो इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन से मुझे कौन सा इक्वेशन मिल गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन से मुझे वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो यहाँ पे कोई भी टाइम, आपको जो भी टाइम चाहिए, टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड, मुझे तो कोई भी पॉइंट कोई भी टाइम पे आएगा कि नहीं आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन, अरे मुझे बताओ तो कोई भी टाइम पे आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन मिल जाएगा, लेकिन मैंने पूछा है टाइम t इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू क्या डाल दो, 4 डाल दो, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 4² + 4, तो आंसर क्या आएगा, v इज इक्वल टू 40, कितना आएगा, अरे v कितना आएगा 52, राइट, तो बेसिकली यहां पे देखो 52 मीटर पर सेकंड। तो गाइस ये मेरा वेलोसिटी आ गया, कितना एट टाइम, क्या एट टाइम, कितना एट टाइम, t इज इक्वल टू 4 पे, मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मतलब एग्जैक्टली टाइम t इक्वल टू 4 पे कितना होगा, किसी ने बोला सर एग्जैक्टली टाइम t इक्वल टू 4.1 पे कितना होगा, 4.1 सेकंड, तो आपको टाइम के जगह कितना डालना है, 4.1 डालना है, किसने बोला टाइम t इक्वल टू 4.2 पे क्या होगा, 4.2 डालो, तो अलग अलग, मतलब मुझे इक्वेशन मिला गाइस, एक्चुअल इक्वेशन, अरे मुझे इक्वेशन मिला मतलब कुछ भी, कोई भी इंस्टेंट पे मैं स्पीड ढूंढ सकता हूं, बराबर। अब मुझे तो ए कैसे निकालो, अब कोई बोलेगा सर ए निकालो भाई, ये तो है, ये हो गया वी, अब वी अभी यहां पे मैं लिखता हूं ए के लिए, ठीक है, अब मुझे बताओ ए क्या होता है, व्हाट इज ए, ए का फॉर्मूला क्या है, डीवी अपॉन डीटी, देखो यहां पे डीवी, ये वी डीवी अपॉन डीएस बाद में यूज करेंगे अपन, अभी से अपन दो फॉर्मूला यूज करेंगे, डीएस अपॉन डीटी, डीवी अपॉन डीटी, तो ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, ए क्या होता है, सॉरी वी क्या होता है, तो वी मेरे को यहां पे मिल गया, वी कितना मिल गया, वी इज इक्वल टू कितना आया मेरा, 3t² + 4, ये इक्वेशन आया कि नहीं, इन जनरल कोई भी टाइम के साथ साथ, ठीक है, अब मुझे बताओ इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, डीवी अपॉन डीटी, अरे मतलब सिर्फ डेरिवेटिव लेना है और क्या करना है, डेरिवेटिव लो, डीवी अपॉन डीटी, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 60, 4 का डेरिवेटिव 0, अब मुझे बताओ डीवी अपॉन डीटी को क्या लिखते हैं, अरे डीवी अपॉन डीटी को क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई, 60 आई। अब कोई बोल सकता है कि यहाँ पे ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, अरे a इज इक्वल टू सपोज 60 आया तो क्या बोल सकते हैं कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेरिएबल है, अरे तुमको यहाँ पे दिख रहा है ना भाई, टाइम जैसे ही बदलता है, टाइम 0 तो एक्सेलरेशन 0, टाइम 1 एक्सेलरेशन 6, टाइम 2 एक्सेलरेशन 12, टाइम 3 एक्सेलरेशन 18, तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है, एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो मुझे होता वेरिएबल एक्सेलरेशन में अपना ये वाला लग सकता है क्या, ये तीनों तीन फॉर्मूले लग सकते हैं क्या, काइनेमेटिकल इक्वेशन, तो ध्यान में रखना वेरिएबल वेरिएबल एक्सेलरेशन में ये नहीं लगेगा, वेरिएबल वेरिएबल में नहीं लगेगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन में कौन से फॉर्मूले काम में आएंगे, ये 3, 1, 2, 3, समझ में आ रहा है गाइस, समझ में आ रहा है क्या, पूरे फिजिक्स में 2 साल आपको याद रखना है, पूरे फिजिक्स में 2 साल आपको ये याद रखना है, जिसको ये समझ में आया गाइस आपका अच्छा लेवल बढ़ेगा, ठीक है, काफी जेई एडवांस में ना ये बहुत बाद में काम आने वाला है, बहुत ज्यादा, ठीक है, चलो तो मुझे तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 60, तो कोई बोल सकता है टाइम t इज इक्वल टू 4 पे एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, निकाल दो डायरेक्ट यार, एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम t इज इक्वल टू 4 पे कितनी होगी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 6 × 4, 6 × 4 मतलब कितना,
24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट टाइम टी इज इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है गाइस? ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे दूंगा मैं, पहले मुझे ये एक क्वेश्चन लिख दो, ये एक क्वेश्चन लिख दो, ये क्वेश्चन लिख दो, फिर मैं एक दो तीन क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, फिर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी दूंगा जो आपका दिमाग खराब करेगा, ठीक है? ट्रिकी क्वेश्चन भी दूंगा जो आपका दिमाग खराब करेगा। कुछ नहीं यार, डेरिवेटिव करते जाओ यार, अरे डेरिवेटिव करते जाओ यार, ठीक है? चलो कोई एक पहले इसको लिखो। आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, सिंपल वाला तरीका, फिर अपने एक रूल बनाएंगे। देखो वो अलग है गाइस, फोर्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, वो अलग फॉर्मूला है। ये एट टाइम t इज इक्वल टू 4, एग्जैक्ट टाइम t इज इक्वल टू 4 पे क्या हो, उस इंस्टेंट पे क्या होगा? तो ये इंस्टेंटेनियस है, एट टाइम t इज इक्वल टू 4, वर्डिंग देखो ना, एट टाइम t इज इक्वल टू 4 और फोर्थ सेकंड या फोर सेकंड, वो अलग अलग होता है, ठीक है गाइस? पहले मुझे तो ये समझ में आया, आगे बढ़ू, मैं आगे करूँ गाइस। हाँ अविनाश तूने सही पकड़ा, ठीक है, अविष्कार तूने सही पकड़ा। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन क्यों इरेज किया, क्योंकि वो लोग कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं बताऊंगा दो तीन, जरा मुझे दो तीन क्वेश्चन करने तो फिर बताऊंगा, ठीक है? एग्जांपल टू, चलो छोड़ो यार, एग्जांपल टू के पहले सब लोग यहाँ पे देखो, एग्जांपल टू के पहले मुझे होता है एच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ऐसे ही लिख रहा हूँ, एच इक्वल टू टी टू द पावर 4, टी टू द पावर 3 प्लस सपोज 2t, ये दिया है। किसी ने बोला चलो वेलोसिटी ढूंढो, क्या कहा वेलोसिटी के लिए, क्या करना है बताओ, वेलोसिटी के लिए क्या करना है, ds अपॉन dt, इसको डेरिवेटिव करो, ds अपॉन dt, ये क्या हो जाएगा 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा एक डेरिवेटिव। एक डेरिवेटिव जब हम लोग करते तो इसको क्या मिलते हैं, अपन इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, v बोलते हैं, ठीक है? अब इसको और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो गाइस, गाइस एक सिंपल सी बात है, इसको और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो उसका दूसरा नाम है, आपको पता है डबल डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, ऐसा भी बोल सकते हैं गाइस, डबल डेरिवेटिव। तो इसका डबल डेरिवेटिव कितना होगा, 12t स्क्वायर प्लस 60, लेकिन मुझे बताओ डबल डेरिवेटिव से अच्छा या फिर इसका सिंगल डेरिवेटिव, ये v को डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो आइदर डीवी अपॉन डी टी, ये दोनों टर्म सेम है कि नहीं है मुझे बताओ, अरे ये दोनों टर्म मुझे बताओ सेम है कि नहीं है, सेम ही है, इसका डेरिवेटिव वीटी, वीटी का डेरिवेटिव एटी, समझ में आ रहा है? तो अपन ना डबल डेरिवेटिव अभी के लिए टर्म यूज नहीं करेंगे गाइस, अभी के लिए अपन क्या करेंगे, कभी भी आपको ऐसा कुछ दिया होगा, सब लोग यहाँ पे देखो, कभी मैंने सपोज ऐसा कुछ दिया, सब लोग यहाँ पे देखो 2t प्लस 4, कभी सपोज मैंने ऐसे दिया, ठीक है? तो मुझे तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ s क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ ds अपॉन dt क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ ds अपॉन dt क्या मिलेगा, डायरेक्टली मैं v लिखता हूँ, ds अपॉन dt भी नहीं लिखूंगा, इसका डेरिवेटिव v मिलेगा, 2t का डेरिवेटिव इज 2, डेरिवेटिव ऑफ 4 इज 0, मतलब v का डेरिवेटिव, v को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, अरे v का डेरिवेटिव मिलेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, और उसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0। मतलब एक चीज समझ में आई कि हम लोग एस टी का डेरिवेटिव करेंगे तो वीटी मिलेगा, वीटी का डेरिवेटिव करेंगे तो एटी मिलेगा, इतना समझ में आ रहा है? अरे यही तो किया मैंने, ये नहीं समझ में आया, अरे डेरिवेटिव तो आता है कि नहीं आता,
कोई बोलेगा सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, मैं एक यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे एक लास्ट का, लास्ट का यहाँ पे सब लोग देखो, टी टू द पावर 3 माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, सब लोग यहाँ पे कान खोल के भी सुन, ये कुछ टर्म है, मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, चलो पहले तो मुझे बताओ, छोड़ो यार इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इस टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, 3t स्क्वायर, ये तो अपन ने बचपन से किया यार, माइनस 4t डेरिवेटिव 5 0, चलो कोई बोलेगा इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, मतलब ऐसे करके मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, अब नीचे नीचे जा रहा हूँ मैं डेरिवेटिव कर जा रहा हूँ, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा नीचे बताओ मुझे, 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 6t, इसका डेरिवेटिव कितना होता है माइनस 4, ये समझ में आया, तो अब मैंने क्या किया गाइस, ये था s, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैंने s लिखा, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ s, व्हाट इज ds अपॉन dt, ds अपॉन dt को हम लोग क्या लिखते हैं गाइस, ds अपॉन dt मतलब क्या होता है v, तो मुझे बताओ बेसिकली मैं सपोज जब ds अपॉन dt इज v तो मैं यहां पे डायरेक्टली v लिख दूं, समझ में आएगा, डायरेक्टली v लिख देता हूं, मतलब इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका s का डेरिवेटिव करेंगे तो v मिलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू टी है, विथ रिस्पेक्ट टू टी करना पड़ेगा, v का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा आप, ये क्या है dv अपॉन dt है ना, अरे भाई इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dv अपॉन dt इज इक्वल टू दिस, बराबर कि नहीं, बट dv अपॉन dt को क्या लिखते हैं, अरे dv अपॉन dt को क्या लिखते अपन, एक्सेलरेशन, तो मैं इसके जगह क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन लिखूंगा, अरे कोई समझ में आ रहा है क्या, तो एक तो एक चीज समझ में आई आपको, रूल समझ में आया, एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, एक्सेलरेशन मिलेगा, तो एक रूल बना दो अपन गाइस, एक रूल बना दू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसटी का इक्वेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसटी का इक्वेशन, एस वर्सेस टी, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, वेलोसिटी टाइम, वी वर्सेस टी, ये क्या हो गया, ए वर्सेस टी, एक्सेलरेशन टाइम, तो मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव करेंगे vt मिलेगा, vt का डेरिवेटिव at मिलेगा, समझ में आया गाइस, तो st से vt, vt से at अपने को जाना है, तो क्या करना पड़ता है, गाइस, डेरिवेटिव करना पड़ता है, ठीक है, डेरिवेटिव करना पड़ता है, तो ये चीज दिमाग में रखना है, ये अपन एक रूल बाद में भी बनाने वाले हैं, अब मैं एक काम करता हूं, आप लोग इसको लिख दो, ST से VT, VT से AT डेरिवेटिव करना पड़ता है, ये लिख दो, फिर मैं आपको एक दो क्वेश्चन अभी फटाफट देता हूं, ठीक है, अब दो क्वेश्चन देता हूं, मैं दो क्वेश्चन देता हूं, फटाफट देखो, नहीं ये इसका d अपॉन dt का कुछ है नहीं, मतलब ट्रिपल डेरिवेटिव करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि AT के बाद कुछ नहीं आता, क्योंकि किसी ने पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, तो हम लोग d अपॉन dt नहीं निकाल सकते, ठीक है, ये कर लो, मतलब ये लिखना नहीं है आपको, ये सब लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वो लिखना है, ठीक है, पहले सिर्फ इतना लिख दो, ST से VT, VT से AT आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, बस इतना लिख दो, ठीक है, आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े, अरे अभी तुम अपना अपना मत बताओ, मैं आपको बताऊंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे, ठीक है, एग्जाम्पल टू सब लोग देखो अभी, ठीक है, अ कार इज ट्रेवलिंग अगेन अलोंग स्ट्रेट लाइन ठीक है, कार इज ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कार, वापस सेम टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर ठीक है माइनस 2t प्लस लेट्स से 4, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द कार ठीक है, तो यहां पे बोला है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकंड, देखो दो टाइम पे निकालना है, 1 एंड 2, दोनों टाइम पे एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों निकालना है, एंड फाइंड whether this equation, whether this मतलब acceleration is variable or constant, ये भी निकालना है हमको, acceleration इसमें variable या constant है वो भी निकालना है, पहले इतना निकालो,
वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन निकालो एट टाइम टी इज इक्वल टू वन एंड टाइम टी इज इक्वल टू टू सेकंड, दोनों पे. नीट वाले स्टूडेंट्स को गाइस थोड़ा सा मैथमेटिक्स डिफिकल्ट जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं. काइनेमेटिक्स के दोनों लेक्चर, आज का लेक्चर और मंडे का लेक्चर, दोनों लेक्चर आपको जितने भी बार हो सके उतने बार देख लो वापस वापस, ठीक है, वापस वापस देख लो. अगला लेक्चर थोड़ा सा और हाईफाई जाएगा, मतलब अलग लेवल पे जाएगा मेरा मंडे का लेक्चर, ठीक है. उसके बाद आपका सबका फेवरेट टॉपिक चालू होगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, मजा आएगा आपको बहुत, मतलब थोड़ा फिजिक्स वाला फील आएगा आपको, फिजिक्स का फील आएगा आपको, ठीक है. चलो पहले तो क्या देखो, पहले आंखें बंद करके गाइस, पहले आंखें बंद करके क्या निकालना है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना है. देखो अलग अलग टाइम पे निकालना है, पहले इक्वेशन तो निकालते भाई, पहले इक्वेशन निकालते फिर कोई भी टाइम पे निकाल सकते हैं, पहले इक्वेशन निकालते, ठीक है. गाइस यहाँ पे देखो एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस फोर, सपोज ये मैंने इक्वेशन लिखा, तो फाइंड व्हाट इज वेलोसिटी, इसका डेरिवेटिव. अरे एस का डेरिवेटिव क्या होगा, वी, एक बार डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2t माइनस 2, इतना मुझे होता समझ में आया क्या. अरे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 2t माइनस 2, ठीक है. फिर इसका एक बार और डेरिवेटिव करो, क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, अभी तो बताया यार. इसका डेरिवेटिव वापस करो, 2t का डेरिवेटिव कितना, t, डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0, तो ये होगा एक्सेलरेशन. सॉरी, ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन. आपको ये समझ में आया, ये इससे इधर से कैसे किया अपन ने, कोई बोलेगा सर ये कैसे आया, तो ये हो गया मेरा ds अपॉन dt. कोई बोलेगा सर ये कैसे आया, इसको क्या किया मैंने, dv अपॉन dt, मतलब इसका डेरिवेटिव ये आ गया, इसका डेरिवेटिव ये आ गया, काम खत्म. अब मुझे बताओ मेरा इक्वेशन आ गए तो अभी वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू वन सेकंड कितना रहेगा, एट टाइम t इज इक्वल टू वन वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, टाइम t इक्वल टू वन के 2 इंटू टू, 2 इंटू वन माइनस 2, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा. एट टाइम t इज इक्वल टू टू, टू पे कितना होगा 4 माइनस 2, वेलोसिटी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है. एक्सेलरेशन मुझे तो एक्सेलरेशन बताओ, एट टाइम टी इक्वल टू वन एक्सेलरेशन कितना आएगा 2, इधर भी एक्सेलरेशन कितना आएगा 2, तो मुझे होता है यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन यहाँ पे देखो कोई टाइम का टर्म नहीं है, सो एक्सेलरेशन इस क्वेश्चन में क्या है, इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. अब इसमें बहुत अच्छा खासा एक जेई मेन के अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा वाला, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, वो बाद में दूंगा अभी नहीं, मंडे के लेक्चर में, ठीक है. बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है जिसमें आपका दिमाग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी के लिए इतना समझ में आया, मुझे तो इतना समझ में आया क्या, सब एक ही इसमें नहीं दूंगा मैं, धीरे 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 आपका बढ़ना चाहिए, ये समझ में आया. चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, हाँ बोल दो, अगेन अ कार इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस या स्ट्रेट लाइन, कुछ भी लिख सकते हो कोई, ठीक है. द वेलोसिटी इक्वेशन, अब यहां पे देखो द वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ द कार इज गिवन, ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ द कार इज लेट्स से 2t स्क्वायर, ध्यान में रखना, माइनस 2t प्लस 4. So velocity time equation is given. Find, ठीक है, acceleration of the car and the displacement of the car at time t is equal to 2 seconds. Find the acceleration.
बताओ, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड्स. तुमको एक पंगा नहीं दिख रहा है यहाँ पे? एक पंगा दिख नहीं रहा है तुमको क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने बोला सर ये कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन तो समझ में आ गया. मुझे तो अपन ने फॉर्मूले कौन से पढ़े थे, फॉर्मूले यहाँ पे लिखता हूं मैं, कौन सा v इज इक्वल टू क्या, वापस v इज इक्वल टू क्या, डी एस अपॉन डी टी, ए इज इक्वल टू क्या, डीवी अपॉन डी टी, और फाइनली क्या था, ए इज इक्वल टू क्या, वी डीवी अपॉन डी एस. अब वी डीवी अपॉन डी एस का तो कुछ काम नहीं है, ठीक है, ये अपना अभी यूज नहीं करना है. अब मुझे एक बात बताओ, ये और ये यूज करेंगे तो मुझे तो दिया है वी गाइस. अब मुझे तो सिखा गया है सिर्फ डेरिवेटिव, तो वी इज इक्वल टू 2t² - 2t + 4 सपोज ये दिया है, और मैंने मुझे सिर्फ पता है इसका मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, डेरिवेटिव कर सकता हूँ गाइस, डेरिवेटिव. तो मैं डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, dv अपॉन dt आएगा गाइस, और इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, dv अपॉन dt आएगा, और आंसर कितना आएगा यहाँ पे 4t - 2. इतना मुझे तो समझ में आएगा पहले, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 4t - 2, और dv अपॉन dt को क्या लिखते हैं, dv अपॉन dt को अपन क्या लिखते हैं, अरे dv अपॉन dt को क्या लिखते हम लोग, एक्सेलरेशन. बिल्कुल ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन, ठीक है. So, acceleration आ गया 4t - 2. अब पंगा क्या है, मैंने आपको एक चीज बोली थी, आपको याद होगा गाइस, सब लोग यहां पे देखो पहले भाई, ठीक है, मैंने आपको एक चीज बोली थी, डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी टाइम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया होगा, वेलोसिटी टाइम कैसे निकालते हैं, डीएस अपॉन डीटी, डेरिवेटिव से, डेरिवेटिव से, याद है कि नहीं है, वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन टाइम कैसे निकालते हैं, ये नीचे जाते वक्त हम लोग क्या यूज करते हैं, डेरिवेटिव. थोड़ा सा गेस मारो गाइस, वीटी से एटी, देखो वीटी से एटी आए, डेरिवेटिव करना पड़ा, एसटी से वीटी, अब एसटी दिया ही नहीं है, एसटी तो इसके ऊपर है, अरे ऐसे डेरिवेटिव होगा तो उल्टा क्या होगा, बिल्कुल सब लोग ने लिखना चालू किया, बहुत अच्छी बात है. अरे नीचे जाएंगे डेरिवेटिव तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, अपना इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव का भाई क्या, इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव, अरे एक जगह पे जा रहे डेरिवेटिव, वापस पीछे आ रहे एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन. समझ में आ रहा है गाइस? अब यहाँ पे एसटी निकालने के लिए, एसटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. अब वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, इंटीग्रेशन बताऊंगा. पहले मुझे तो इतना समझ में आया, अरे इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है गाइस. एक अनाउंसमेंट सब लोग सुनो, जब हम लोग ये, मैं जब आपको पढ़ाता हूं तो आप थ्योरी कहां से पढ़ते हो, सब लोग यहां पे देखो, आप थ्योरी कहां से पढ़ते हो, जब भी मैं आपको कुछ भी पढ़ाता हूं तो आप थ्योरी कहां से पढ़ते हो. तो गाइस एक सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं, एट प्रेजेंट एनसीईआरटी को आपको टच नहीं करना है, आपको स्टेट बुक को टच नहीं करना है, एट प्रेजेंट आपको दो ही चीजों को टच करना है, किसको, एच सी वर्मा के सारे सॉल्व एग्जाम्पल आपको करने हैं, ठीक है, मैं आपको वापस बता रहा हूं, एच सी वर्मा को आपको टच करना है गाइस, एच सी वर्मा के सारे सॉल्व एग्जाम्पल भी आपको करने हैं, एक्सरसाइज आपको करनी है, एक्सरसाइज नहीं हुई भी तो अब डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी बन चुके हैं, अपने डाउट सॉल्विंग ग्रुप में डालो, सब डाउट आपके सॉल्व हो जाने चाहिए. और जैसे ही अभी अपना काइनेमेटिक्स खत्म होने को आया है, जैसे ही अपना मंडे को काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा, मॉड्यूल्स से भी आप थ्योरी पढ़ सकते हो, मॉड्यूल्स में भी बहुत अच्छा थ्योरी हम लोग ने दिया हुआ है, यहाँ पे अपने मॉड्यूल्स जो आपको मिले हुए हैं वहां से भी अभी आपको अगले हफ्ते से पूरा का पूरा वहां से भी होमवर्क आना चालू होगा, ठीक है. तो मॉड्यूल्स का थ्योरी लेकिन बहुत अच्छे लेवल का है, ठीक है, इसका लेवल
हाई है, बहुत अच्छा है। मतलब क्या है कि हम लोग, क्योंकि 2 साल में आपको ना 2 साल में अंदर इसको कब्जा करना है, ठीक है। डीसी बांडे भी बाद में, डीसी बांडे की भी थेरी आपको पढ़नी है लेकिन बाद में, ठीक है। तो अभी के लिए आपको एक्सीवर मैन मॉड्यूल इतने इतना ही, और अपने सबसे इंपॉर्टेंट अपना क्या होता है बताओ? अरे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? अपने नोट्स, जो मैं आपको ये नोट्स बनाते हैं ना अपन, जो आप लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे अल्टीमेट चीज थ्योरी पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए आपके खुद के नोट्स है। आपके खुद के नोट्स से अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे पूरा का पूरा आपका फिजिक्स रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। मतलब फिजिक्स मतलब टॉपिक। चलो ये आपको समझ में आया गाइस, ये समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड एसटी, ये एसटी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अपन देखेंगे गाइस, ये एसटी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अपन देखेंगे, ठीक है। पहले मुझे होता ये समझ में आया, आंसर बाद में देखेंगे एसटी का, पहले मुझे होता इतना समझ में आया। चलो आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े। चलो एग्जांपल और एक, ठीक है, एग्जांपल सब लोग यहां पे देखो, पार्टिकल और पार्टिकल ने कार लेते हैं, अ कार अगेन ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। हर बार लिखना पड़ रहा है, ठीक है, जवाब अभी अगले बार लिखूंगा नहीं भाई, है मैं दिमाग में लगना कार स्ट्रेट लाइन नहीं कर रही है ट्रेवल, ठीक है। अ कार ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द कार इज लेट्स से गिवन, ठीक है। सब लोग यहां पे देखो, फाइंड सब लोग यहां पे देखो, मैं जो बोल रहा हूं यहां पे देखो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द कार, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द कार व्हेन एक्सेलरेशन ए बिकम्स जीरो। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द कार व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो, ठीक है। आपको चाहिए तो मैं यहां पे आपको लिखता हूं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द कार व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द कार बिकम जीरो, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बताओ क्या करोगे इसमें। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द कार मतलब वी निकालना है, इसका मतलब क्या है यहां पर, इसका मतलब है वी मुझे निकालना है, वी की वैल्यू बताओ क्वेश्चन मार्क। When A becomes zero, when A is zero, ठीक है, ये निकालो जरा, सिंपल है, सेम चीज है, जो भी मैंने पढ़ाया वही यूज करना है, कुछ ज्यादा अलग नहीं यूज करना है। सबको समझ में आया गाइस, सबको समझ में आया, क्या बोला वेन एक्सेशन जीरो, ये इंस्टेंट की बात है, सब इंस्टेंटेनियस है भाई, इंस्टेंटेनियस है। एक्सेशन जीरो मतलब क्या, थ्रू आउट मोशन जीरो नहीं है, वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जीरो है। मुझे वो वाला टाइम, मुझे वो वाला स्पीड निकालना है व्हेन एक्सेलरेशन बिकम जीरो, दैट उस टाइम पे सम पर्टिकुलर इंस्टेंट,
तो टाइम की वैल्यू आएगी अगर आप, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे मुझे बताओ ये क्या, ये इक्वेशन है, पहले तो मुझे बताओ पहले इस इक्वेशन का करेंगे क्या। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इस इक्वेशन को, एक्स इक्वल टू टी क्यूब माइनस 15 टी स्क्वायर प्लस 2। कोई बोल सकता है कैसे वेलोसिटी कैसे फाइंड होगा, वेलोसिटी, अरे एच टी से वी टी कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव, भाई डेरिवेटिव निकाल दो। तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, 3 टी स्क्वायर माइनस क्या 30 टी, ये समझ में आया। हाँ मुझे तो कोई एक्सेलरेशन कैसे निकालेगा, एक्सेलरेशन हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पहले निकालेंगे कितना 60 माइनस कितना 30। तो मुझे तो पहले ये समझ में आया क्या, समझना क्या, यही तो करते हैं भाई, डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव खत्म, v is equal to ds upon dt, a is equal to dv upon dt, काम खत्म। अब मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द कार, फाइंड वेलोसिटी v व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। तो पहले निकालना है भाई एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, अरे ये जीरो कब होगा, ये चीज जीरो कब होगा, a is equal to जीरो जब होगा तो 60 माइनस 30, देखो एक्सेलरेशन तो वेरिएबल है, देखो अरे हर एक अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्सेलरेशन है, देखो ना आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, टाइम के साथ डिपेंड है, कौन से टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो 60 माइनस 30 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इसमें टी की वैल्यू कितनी आएगी, टी की वैल्यू कितनी आएगी, 30/6 5 सेकंड। तो गाइस कौन से इंस्टेंट पे, तो यहाँ पे टाइम दिया नहीं था, निकालना पड़ा, तो बोला है कि मुझे वेलोसिटी निकालना है कौन से टाइम पे, कौन से टाइम पे, टाइम टी इज इक्वल टू किस पे, 5 पे, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है। तो वेलोसिटी कितना आएगा गाइस, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, तो वेलोसिटी यहाँ पे लिख देते, तो वेलोसिटी यहाँ पे लिख देते 3t² - 30t। तो आंसर कितना आया, 3 इंटू क्या 5² - 30 × 5, कितना है आंसर, बिल्कुल -75। बिल्कुल, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, -75 मीटर। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चंस करना है, अरे क्वेश्चन समझ में आए कैसे करने हैं इसमें, अब मुझे एक बात बताओ गाइस, एक मुझे बात बताओ, ये सारे जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं गाइस, ये सारे जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, कौन से दो फॉर्मूला को, अपने कितने फॉर्मूले थे, कौन से कितने अपने फॉर्मूले थे बताओ मुझे, फॉर्मूले कितने थे, 3 ds upon dt, dv upon dt, तीसरे को भाव दिया था क्या अपन ने, तीसरे को अभी तक भाव दिया है क्या, अरे तीसरे को कोई घास ही नहीं डाल रहे अपन, बेचारा बैठा हुआ है, बुरा मान जाएगा, उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये हो गया आपका, ये समझ में आया, आगे बढ़ू, ठीक है, एग्जाम्पल 5 थोड़ा सा उसके ऊपर कर लेते, देखो कैसे ऊपर उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता देखते हैं, ठीक है, सब लोग यहां पे देखो, अगेन कार ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड द वेलोसिटी ऑफ द कार डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, सो वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे जैसे मैंने यहां पे लिखा एच क्यूब, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट एज v इज इक्वल टू लेट्स से x टू द पावर 3, लेट्स से प्लस 2, चलो, सो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, सो फाइंड फाइंड फाइंड, यहां पे देखो क्या बोला है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर, आपको समझ में, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर, चलो निकालो जरा, देखते किसको आता है डायरेक्टली, बिना में कुछ बोल के आप निकालो जरा, यहां पे दिया है v इज इक्वल टू एस क्यूब प्लस 2, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 2, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मैंने आपको सिंपल सी बात बोली थी यार, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, थर्ड फॉर्मूला, तो करो जरा थर्ड फॉर्मूला, जरा देखो जरा आता है क्या, देखो थर्ड फॉर्मूला, देखो आता है क्या आपको,
कैसे करेंगे थर्ड फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे, चलो बताओ मुझे, सब लोग यहाँ पे बताओ मुझे थर्ड फॉर्मूला क्या था, थर्ड फॉर्मूला क्या था? एक बात बताओ, यहाँ पे वी इक्वल टू एस क्यू प्लस टू वगैरह तो अपन डीएस अपॉन डीटी, डीवी अपॉन डीटी तो कुछ लगेगा नहीं, ठीक है वो सब लगने वाला है। अब वी और एस दिए, देखो वी इन टर्म्स ऑफ एस दिए, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइन एक्सेलरेशन पूछा है क्या होता है, वी डीवी अपॉन डीएस बराबर की नहीं, इधर देखो ना डीवी अपॉन डीएस आ गए अपने को, अरे वी, अरे भाई एकदम सिंपल वाला चीज दी है, वी की वैल्यू क्या दी है एस क्यू प्लस टू, तो मुझे बताओ वी इन टर्म्स ऑफ एस है तो व्हाट इज डीवी अपॉन डीएस, अरे कुछ भी कर सकते हो ना यार, डीवी अपॉन डीएस तो आ ही जाएगा ना भाई, अरे वी इन टर्म्स ऑफ एस दी है, व्हाट इज डीवी अपॉन डीएस, डायरेक्टली थ्री एस स्क्वायर, आपको समझ में आ रहा है क्या, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स कुछ भी करो, वी इन टर्म्स ऑफ टी कुछ भी करो, तो डीवी अपॉन डीएस क्या आएगा, थ्री एस स्क्वायर आएगा। अब डीवी अपॉन डीएस तो आ गया, ठीक है, वी की वैल्यू खुद ये है, ये इसमें पुट करो, ठीक है इसमें पुट करो तो ए की वैल्यू क्या आएगी, वी की वैल्यू क्या होती है, वी की वैल्यू क्या थी, एस क्यूब प्लस टू थी, ठीक है, एंड डीवी अपॉन डीएस की वैल्यू क्या थी, डीवी अपॉन डीएस की वैल्यू क्या थी, क्या निकाला अपन ने, थ्री एस स्क्वायर थी, समझ में आ रहा है क्या, बस आ गया यही तो मेरा आंसर है, इन टर्म्स ऑफ एस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, टू मीटर, डिस्प्लेसमेंट टू मीटर, निकालो यहाँ पे आंसर, तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट टू मीटर पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, टू क्यूब प्लस टू इंटू थ्री इंटू टू स्क्वायर, आंसर आ गया, यही मेरा आंसर है। वन ट्वेंटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ में आ रहा है गाइस, क्वेश्चन कैसे आते हैं समझ में आया, मतलब मुझे तो ये पूरा का पूरा मैथ से कि नहीं है, बताओ पूरा का पूरा कैलकुलस है कि नहीं है, पूरा का पूरा कैलकुलस, इसमें कुछ है ही नहीं यार, दूसरा कुछ है ही नहीं, सिर्फ पूरा का पूरा कैलकुलस, ठीक है। अब मुझे बताओ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे एस की जगह एक्स दे सकते, इफ द पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग वाई एक्सिस तो एस की जगह क्या दे सकते, वाई दे सकते, तो आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि वी डीवी अपॉन डीवाई होगा, वी डीवी अपॉन डीएक्स होगा, उसके अलग अलग रूप होंगे, ठीक है, मतलब ये एस के जगह एस डिस्प्लेसमेंट की जगह एक्स डाल सकते, वाई डाल सकते, कुछ भी डाल सकते अपन, ठीक है। समझे गाइस, चलो तो मैंने अब तक क्या बताया गाइस, अब तक मैंने जो इधर तक बताया क्या बताया मैंने आपको गाइस, मैंने अब तक जो भी आपको बताया है यहाँ पे, जो भी मैंने यहाँ पे बोला है, क्या बोला है आपको, मैंने तीन फॉर्मूले यूज करने को बोले, ठीक है, मैं तीनों दिन फॉर्मूले यहाँ पे लिखता हूँ, जो भी मैंने यहाँ पे अभी तक पढ़ा है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, ये एक बॉक्स बना के आपको लिख के रखना है, बॉक्स बना के यहाँ पे आपको लिख के रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो बॉक्स बना के, एक फॉर्मूला v इज इक्वल टू क्या था, ds अपॉन dt था, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या था, a इज इक्वल टू क्या था, dv अपॉन dt था, ठीक है, और थर्ड फॉर्मूला क्या था, थर्ड फॉर्मूला क्या था, a इज इक्वल टू क्या था, v dv अपॉन क्या, ds, और इस पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग x एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह कभी कभी a इज इक्वल टू वी डीवी अपॉन डीएक्स भी कर सकते हैं, अरे मतलब s की जगह x डालो या इफ द पार्टिकल ट्रेवल ऑन y एक्सिस v डीवी अपॉन dy, ठीक है। हाँ, टू डायमेंशन मोशन का भी मैं यहाँ पे कैसे यूज करना है वो नहीं बताऊंगा, पहले मुझे तो इतना समझ में आया क्या, फिर मैंने एक चीज और बोली थी आपको, डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी टाइम जाना है और वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन टाइम जाना है, नीचे जाना है ऐसे एस टी वी टी ए टी, तो क्या करना पड़ता है गाइस, क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव, इसमें भी क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव, नीचे जाएंगे तो क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव, तो अब ये एक पूरे पेज पे लिखना है, अब मुझे बताओ फिर गाइस, मुझे बताओ, अब एरोस देखो, एरो, अब तुम एटी पे हो, तुमको वीटी जाना है और फिर तुमको एसटी जाना है, एटी से वीटी, एरो देखो, वीटी से एटी क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना है तो एटी से वीटी, वीटी से एसटी क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, तो अभी हमारा क्या बचा है, अभी हाउ टू इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन कैसे होगा,
इंटीग्रेशन से अपन कैसे ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो गाइस ब्रेक देने के पहले, सब लोग सुनो, ब्रेक देने के पहले इसको लिखो, मैं सिर्फ इंटीग्रेशन एक बार क्या होता है वो बताऊंगा, फिर ब्रेक देता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है वो बताऊंगा, फिर ब्रेक देता हूँ, फिर ब्रेक के बाद हम लोग इंटीग्रेशन वाला चीज पार्ट करेंगे। जिन लोगों को बाउंस जा रहा है, इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग ब्रेक के बाद का पूरा चीज आपको, मतलब ब्रेक में 5 मिनट के बाद दूंगा, अभी नहीं, पहले इसको लिखो। एक छोटा सा एग्जांपल ऑन इंटीग्रेशन एंड देन हम लोग ब्रेक लेंगे, आप ब्रेक देंगे और ब्रेक के बाद हम लोग इंटीग्रेशन वाला पार्ट करेंगे। फिर कोई क्वेश्चन में ऐसा करूंगा जिसमें इंटीग्रेशन डेरिवेटिव दोनों है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव दोनों है। ठीक है, वही वही जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ है ना, जहां पे वी दिया था, एस निकालना था, वो अभी इंटीग्रेशन के बाद आएगा शायद से, थर्ड क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, पहले ये वाला कर लो, मतलब इसको लिख दो, इतना इतना पार्ट लिख दो। कोई दिक्कत है इसमें, इसमें कोई दिक्कत है गाइस? अरे अरे एस के जगह मैंने एक्स डाला यार, जब डिस्प्लेसमेंट है उसके जगह, कि पार्टिकल ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अलोंग एक्स होगा ना, एक्स पोजीशन। ये मैंने क्यों डाला है, क्योंकि ये सेम ही है, दोनों सेम ही है, कुछ कंफ्यूज मत होना। इफ द पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो कभी कभी क्या होता है पता है, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था यहाँ पे, सपोज ऐसा क्वेश्चन आया, वी इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू, तो तुम लोग कंफ्यूज रहोगे, अरे पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस ना, तो एक्स क्यूब मतलब सेम ही चीज है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी एस नहीं, डीवी अपॉन डी एक्स करेंगे, काम खत्म। मतलब इसके जगह मैं क्या लिखूंगा, डीवी अपॉन डी एक्स लिखूंगा, विच इज इक्वल टू क्या, 3x2। अरे मतलब एस के जगह एक्स डाला है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, हाँ, अलोंग जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस जेड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, मैं कंफ्यूज, मतलब नहीं तो कुछ क्वेश्चन आएगा, आप लोग बोलेगा सर हम लोग को तो पढ़ाया नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलो, ये समझ में आया तुमको, सबको ये समझ में आया गाइस? ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा, मैंने क्या बोला, क्या करते हैं गाइस, थोड़ा सा क्या करते हैं, इंटीग्रेशन वाला पार्ट। सब लोग यहाँ पे कान खोल के सुन लो, सब लोग यहाँ पे देखो छोटा सा, उसके बाद में ब्रेक दूंगा एग्जैक्टली 5 मिनट के बाद। ठीक है, एग्जैक्टली मतलब 3:10, चलो एक काम करते, 3:10 को ब्रेक देंगे, 3:10 से लेके 3:25। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, मुझे आज मुझे मुझे एक बात बताओ, सब लोग को याद होगा मैं ऐसा करता था, याद है, y इज इक्वल टू एक्स टू पावर 4 है, तो हम लोग क्या करते थे, dy अपॉन dx को क्या लिखते थे, याद है, dy अपॉन dx को क्या लिखते थे, 4x³, या फिर मैं बोलता था पता है आपको, इंटीग्रेबल फॉर्म, मतलब dy बाय dx, ये dx को इधर मत लिखो, इधर लिखो, मैं आपको ये बोलता था ना, y इज इक्वल टू एक्स टू पावर 4, तो dy जो है dx को इधर लिखो, इधर, तो आपको याद है, मतलब ये dx को अपन ने सपोज इधर लेके गए, याद है क्या, तो y इज इक्वल टू, ये इसका डेरिवेटिव करेंगे dy, x टू द पावर 4 का 4x³ dx, फिर हम लोग क्या करते थे, याद है, इसको हम लोग क्या करते थे, दोनों साइड में क्या करते थे, इंटीग्रेशन, दोनों साइड में क्या करते थे, इंटीग्रेशन। हाँ, सपोज सबको किसी को याद नहीं होगा, शायद से मैंने एडवांस क्लास में वगैरह पढ़ाया था, ठीक है, तो किसी को याद नहीं होगा, तो अभी नहीं, एडवांस क्लास में सब जगह पढ़ाया था, क्या एडवांस क्लास में पढ़ा था, सब जगह पढ़ा था मैंने। ठीक है, y इज इक्वल टू पावर 4, dy इज इक्वल टू 4x³ dx, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा, याद है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन फॉर्म। तो कभी भी गाइस गाइस गाइस, अब मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, ठीक है, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, इधर देखो, मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो, कभी आपको ऐसा दिखाई दे dy इज इक्वल टू x टू द पावर 3 dx, तो कभी भी ऐसा फॉर्म दिखाई दे, मतलब ये x dx और ये dy, ऐसा कुछ दिखाई दे,
तो कभी भी हम लोग इसको क्या करते हैं, इसके बोथ द साइड क्या डालना होता है, इंटीग्रेशन, सीधा इंटीग्रेशन डाल दो खुश होने का। देखो कभी भी ऐसा दिखाई दे खुश होने का, इंटीग्रेशन डाल देने का, इंटीग्रेशन डाल देने का विथ लिमिट। सपोज मैंने बोला चलो इसका मैं लिमिट डालता हूँ जीरो से वाई, इसका मैं लिमिट डालता हूँ जीरो से एक्स, तो मुझे बताओ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीवाई, इंटीग्रेशन ऑफ डीवाई क्या लिखेंगे? अरे डीवाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर थ्री क्या लिखेंगे बताओ, एक्स टू द पावर फोर बाय फोर, और लिमिट क्या डालेंगे यहाँ पे, इसमें लिमिट डालेंगे जीरो से वाई, इसमें लिमिट डालेंगे जीरो से एक्स। अरे आएगा कि नहीं आएगा आपको आंसर, एक बार y डालो एक बार 0 डालो तो इसका आंसर तो y आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स टू पावर 4 बाई 4। कोई दिक्कत है क्या बताओ मुझे, अरे कोई दिक्कत है क्या इसमें? कभी भी आपको सुनो 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 वापस 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 एक बार वापस एक बार सब लोग यहाँ पे देखो, कभी भी आपको ऐसा दिखाई दे चलो dy इज इक्वल टू, सब लोग यहाँ पे देखो 2x dx क्या करेंगे, क्या दिक्कत, देखो dy 2x dx क्या करेंगे, इंटीग्रेट दोनों जगह पे इंटीग्रेशन, ऐसे खुश होने का, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या मिल जाएगा y, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा 2x dx, x square by 2, तो x square 2 x square by 2, तो 2 2 कैंसिल विथ लिमिट्स, जो भी लिमिट्स होंगे वो लिमिट भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब इतना तुमको समझ में आया तो मुझे बताओ गाइज, गाइज इतना समझ में, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जब बताऊंगा तब लिखना है। कभी आपको कुछ ऐसे दिखाई दिया, सब लोग यहाँ पे देखो जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज आपको कभी कुछ ऐसे दिखाई दिया डीवी इज इक्वल टू टू टी स्क्वायर डीटी, क्या करेंगे बताओ, ये डीवी है टू टी स्क्वायर डीटी है, क्या करेंगे? अरे इंटीग्रेट करेंगे, कुछ नहीं इंटीग्रेट करेंगे। कभी भी ऐसा कुछ दिखाई दे इंटीग्रेट करने का, सपोज 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 कभी आपको ऐसा दिखाई दिया भाई, यहाँ पे देखो ऐसा कुछ दिखाई दिया डी एच इज इक्वल टू, ठीक है, टू टी डी टी इंटीग्रेशन, देखो डी एच यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विथ लिमिट, विथ लिमिट, ठीक है। तो मतलब बेसिकली मुझे ऐसा वाला फॉर्म लाना पड़ेगा, ऐसा वाला फॉर्म लाना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा वाला फॉर्म कैसे मिलेगा गाइस, ऐसा वाला फॉर्म कैसे मिलेगा, तो ऐसा आपको डायरेक्टली दिया नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब जैसे मैंने आपको एक बात बोला, मैंने बोला एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज लेट्स से 2t, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2t, तो मुझे बताओ मुझे ऐसे वाला फॉर्म लाना है तो पहले a को क्या डालेंगे बताओ, अरे a को क्या डालेंगे, a इज इक्वल टू 2t दिया है मुझे, तो a को क्या डालेंगे पहले, गलत गलत मत बोल रहा हूँ अपना फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू क्या था, डीवी अपॉन डीटी डालेंगे ना पहले, डीवी अपॉन डीटी अपना बेसिक फॉर्मूला तो है ना यार भाई, डीवी अपॉन डीटी, ए को हम लोग क्या डालेंगे, डीवी अपॉन क्या डीटी इक्वल टू टू टी, मुझे बता ये सब सही है कि नहीं है, लेकिन क्या ये इंटीग्रेबल फॉर्म है, क्या इंटीग्रेबल फॉर्म है, डीटी को कहां पे लेके आना पड़ेगा, डीटी को कहां पे लेके आना पड़ेगा उधर, तो dv इज इक्वल टू क्या हो गया, dv इज इक्वल टू क्या हो गया 2t dt, समझ में आ रहा है क्या? अब मुझे बताओ क्या हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, यस अब इंटीग्रेट करो, काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया? फिर तुमको चाहे तो लिमिट डाल दो, मैंने बोला टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो है, टाइम t इज इक्वल टू t पे वेलोसिटी v है, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल लिमिट, फाइनल लिमिट, इनिशियल लिमिट क्या लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। तो मुझे होता डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, मुझे होता डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, अरे डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा v, और टू टी डी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी स्क्वायर विथ लिमिट डाल के v इज इक्वल टू क्या आएगा टी स्क्वायर। तो मुझे बताओ मैं मुझे क्या मिल गया, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन से क्या मिल गया, vt मिल गया कि नहीं इंटीग्रेट करके। अरे याद करो ना मैंने क्या बोला था यहाँ पे, याद करो एक्सेलरेशन टाइम से वेलोसिटी टाइम मिलने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट, देखो ना इंटीग्रेट। अब मुझे होता हो वेलोसिटी टाइम से डिस्प्लेसमेंट टाइम निकालने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, अरे इधर से ऊपर जाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, समझ में आ रहा है। तो अब मैंने जो भी यहाँ पे बताया गाइस, जो भी मैंने यहाँ पे बताया ये जस्ट एक छोटा सा वो था, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रखो, लेकिन सब अब मैं जो मेन है मेन मेन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो फिर ब्रेक, ठीक है
ऑलमोस्ट 3 मिनट बचे हुए, उसके बाद ब्रेक। नहीं, सब लोग यहाँ पे देखो अपने तीन पहले मेजर फॉर्मूला में यहाँ पे लिख के रखता हूँ, कौन से अपने मेजर फॉर्मूले। V इज इक्वल टू क्या, ds अपॉन dt। A इज इक्वल टू क्या, dv अपॉन dt। गाइस इसको तो लिख के रखा, अब कोई बोलेगा सर A इज इक्वल टू v dv अपॉन ds। चलो ठीक, अभी तो इसका काम नहीं है एट प्रेजेंट, ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस में काम आता है A इज इक्वल टू v dv अपॉन ds का, ठीक है। लेकिन अभी ठीक है, अभी यहाँ पे सब लोग देखो, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, A इज इक्वल टू dv अपॉन dt। अब मैंने आपको मैं दो इक्वेशन दिया, सब लोग यहाँ पे देखो, दो इक्वेशन दिया मैंने। मैंने बोला चलो A इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, एक क्वेश्चन एक दिया हुआ है, और मैंने यहां पे दिया है V इज इक्वल टू लेट्स से 3t। ये दोनों इक्वेशन दिए, ठीक है। अब तुम लोगों को सबको पता है गाइस, एच टी से वी टी कैसे मिलेगा, वी टी से ए टी। इसको इसके लिए क्या लगता है डेरीवेटिव, क्या लगता है डेरीवेटिव। तो कोई बोल सकता है मुझे एटी से वीटी के लिए क्या लगेगा? अब मुझे तो एटी से वीटी और वीटी से एसटी करना है, तो मुझे क्या लगेगा? इंटीग्रेशन। तो मुझे तो जब मैं एटी लिखूंगा तो मुझे इससे क्या मिलेगा? पहले वीटी मिलेगा इंटीग्रेशन से, वीटी से इंटीग्रेशन करूंगा तो एसटी मिलेगा, बराबर। मुझे बताओ पहले कैसे करना है, ए को क्या डालना, अपने फॉर्मूला तो यूज करना ही पड़ेगा। तो पहले मैं ए को क्या डालूंगा बताओ, ए को क्या डालूंगा यहाँ पे dv अपॉन dt, एकदम सिंपल, dv अपॉन dt इज इक्वल टू क्या करेंगे 2t स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली साइमल्टेनियस करते हो, v को क्या डालेंगे ds अपॉन dt, ठीक है। मुझे बताओ ये दोनों टर्म तो मैंने लिख दिए जो भी था, अब मुझे बताओ dt को इधर लेके जाओ, इंटीग्रेबल है क्या है? नहीं है, तो पहले अपन dt को इधर लेके जाओ, तो dv इज इक्वल टू क्या कर दिया 2t स्क्वायर dt, ये समझ में आया सबको? फिर इसको क्या लिखा मैंने, ds को क्या लिखा बताओ, ds को क्या लिखा 3t dt, ये समझ में आया क्या पहले बताओ? अब मेरा इंटीग्रेबल फॉर्म हो गया, देखो इंटीग्रेबल फॉर्म हो गया। अब मैं क्या करूंगा, बोथ द साइड इंटीग्रेशन। अब सपोज मैंने बोला टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, मैंने लिमिट दिया है, टाइम t इज इक्वल टू t पे वेलोसिटी सपोज v है, यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम t इज इक्वल टू t पे डिस्प्लेसमेंट h। अब मुझे बताओ मैंने लिमिट्स डाल दिए, इसके भी लिमिट्स डाल दिए, क्या आएगा आंसर, क्या आएगा यहाँ पे बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, v इज इक्वल टू क्या आएगा, dv का इंटीग्रेशन v, 2t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2t क्यूब बाय 3, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ h, h का इंटीग्रेशन ऑफ ds इज s, 3t का इंटीग्रेशन क्या, 3t² / 2 विथ लिमिट डालते। मुझे बताओ समझ में आया क्या, समझ में आया कि नहीं आया? तो at से vt यहां पे देखो मुझे क्या मिला, पहले में मुझे at से vt क्या करके मिला मुझे इंटीग्रेट, at से vt मिला इंटीग्रेट, यहां पे मुझे क्या मिला, vt से st मिला, क्या करके मिला, इंटीग्रेट। समझ में आ रहा है गाइस? अब समझ में कैसे करना है इंटीग्रेशन एक्चुअली, एग्जैक्टली कैसे फिजिक्स को यूज करना है इसमें। चलो इतना पहले लिखो गाइस, इतना ही लिखो आप जो मैंने आपको बोला, एटी से वीटी, वीटी से एचटी, ये क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो एटलीस्ट आपको इंटीग्रेशन समझ में आया कैसे करते हैं, लिमिट कैसे मैंने यूज किए वो लिमिट मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद थोड़ा सा इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, एटलीस्ट देख लेना, ठीक है। तो ये पहले लिखो, उसके बाद लास्ट, एक मिनट लास्ट स्लाइड का सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका छोटा स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट हो गया इसका, इसका ये लिखो अभी, ये लिखने के बाद एग्जैक्टली हम लोग कितने बजे मिले बताओ जरा, लास्ट का आधा घंटा और बचा हुआ है, मतलब मैं 4 बजे तक लेक्चर लूंगा, ठीक है गाइस। तो सब लोग आने का कोशिश करो, क्योंकि बहुत सारे लोग ड्रॉप हो जाते हैं ब्रेक के बाद, बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, ठीक है, तो भागो मत, ठीक है। 311 हुआ है, 325 को मिलते गाइस, इसको लिखो एंड 325 को हम लोग मिलते हैं वापस, ठीक है। मैं ऐसे ही रखता हूँ कैमरा, ऐसे ही रखता हूँ,
ठीक है, अगले लेक्चर में थोड़ा सा वापस रिकैप दूंगा मैं, लेकिन आज देखोगे तो अगले अगले लेक्चर में और अच्छे समझ में आएगा, फिर अगले लेक्चर में हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं, ऑलवेज जीरो नहीं लेना होता है, मैं बताऊंगा क्या करना है, ठीक है, पहले सिर्फ इतना लिखो।
हेलो गाइस, सब आ गए वापस, जगे हो या सो गए? सोना तो मुझे यार, बीमार तो मैं हूं, सोना तो मुझे चाहिए, सोते आप हो? ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ। देखो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे ये इतना सब कुछ समझ में है पहले, जो भी अपना यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, इतना सब समझ में है सब लोग को? ठीक है ठीक है, तो अब यहाँ पे सब लोग देखो, फटाफट देख लो जो भी मैंने यहाँ पे अभी तक बताया आपको। ठीक है, तीन फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने, कौन से? V इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, एकदम मस्त, अपना अभी दिमाग में जा चुका है, कभी निकलेगा ही नहीं है। A इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ठीक है, और तीसरा है A इज इक्वल टू V डी वी अपॉन डी एस। अब गाइस ये ध्यान में रखना, ये वाला जो चीज है थर्ड फॉर्मूला, जनरली हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, तो ये मैं आपको बाद में भी बताऊंगा, मतलब काफी अच्छे खासे जेई एडवांस वाले क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, काफी अच्छे मस्त मस्त लेवल वाले क्वेश्चन, ठीक है, इवन ग्राफ में सब में। ये दो चीजें जेई में, नीट में, सब जगह पे काम में आती है, तीसरा भी आता है लेकिन लोअर लेवल पे आता है, इसका अपर लेवल वाला वर्जन जेई एडवांस में आता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, मैंने आपको एक चीज बोली थी यहाँ पे, एसटी से वीटी, वीटी से एटी, क्या बोला? डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहां पे इंटीग्रेशन जब मैं लिखता हूं, इंटीग्रेशन तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन में क्या करेंगे अपन? एटी से कहां पे जाएंगे? एटी से जाएंगे वीटी में, मतलब एक्सेलरेशन टाइम दिया है तो वेलोसिटी टाइम मिलेगा, वेलोसिटी टाइम दिया है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम मिलेगा। ठीक है, तो पहले कोई भी पेज में कहीं पे भी ये आपने लिख के रखा है, मतलब ये भी आपने दो तीन बार तो लिख के रखा ही होगा, राइट गाइस? चाहिए तो वापस एक बार लिख लो, ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद स्टार्ट हुआ तो एक बार वापस लिख लो। एटी से वीटी, वीटी से एसटी, ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन के ऊपर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ग्राफ में अगले लेक्चर में करूंगा, क्योंकि ग्राफ में, मतलब ग्राफ में थोड़ा सा मुझे कुछ ग्राफ, दो तीन टाइप की ग्राफ हम लोग करेंगे, ठीक है, और फिर हर एक चीज जो ये मैंने पढ़ा है सेम टू सेम ग्राफ में ही है, कुछ नहीं, सिर्फ इक्वेशन के साथ डायरेक्टली ग्राफ को कंबाइन करने वाला। तो चलो यहाँ पे सब लोग देखो, मैं इक्वेशन एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, आपको समझ में आ जाएगा सबको, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहां पे दिया एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू टू, टू टी कर लेते, चलो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू टू टी, एक काम करता हूं रुको, मैं पूरा अच्छे से लिखता हूं, ऐसा लिखा जाएगा, कार इज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, देन इट स्टार्टेड, देन द कार स्टार्टेड मूविंग विथ, इट हैज स्टार्टेड मूविंग विथ विथ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 2t, it has started moving with acceleration a is equal to 2t from origin, at time t is equal to 0, ठीक है, अब बोला है find velocity and displacement of the car V and S at time t is equal to let's say 2 seconds, ठीक है, at time t is equal to let's say 2 seconds, और मैंने ऐसा बोला चलो एक काम करते, at time t is equal to
किसी ने बोला 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, तो मुझे होता इन शॉर्ट 1 2 3 सेकंड में निकालना, इसका मतलब अपने को क्या निकालना पड़ेगा बताओ मुझे, क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या निकालना पड़ेगा? इक्वेशन पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी इक्वेशन निकालना पड़ेगा. नाउ हाउ टू फाइंड इक्वेशन, क्या दिया है मुझे? देखो एटी का इक्वेशन दिया है, एटी से वीटी, वीटी से एचटी कैसे मिलता है? अरे भाई एटी से वीटी, वीटी से एचटी कैसे मिलता है? क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन. डेरिवेटिव तो नहीं, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने जो मेन फॉर्मूले थे, मेन फॉर्मूले कौन से थे, मैं इधर 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 लिखता हूं. ठीक है, मैं मेन फॉर्मूले यहां पे लिख देता हूं. कौन से मेन फॉर्मूले? V इज इक्वल टू क्या? dS अपॉन dt. A इज इक्वल टू क्या? dV अपॉन dt. इसी को तो यूज करना है. ठीक है, हाँ, तो अब मुझे यहां पे देखो, यहां पे क्या दिया है? A इज इक्वल टू 2t. तो पहले मैंने लिख दिया. हाँ, फिर मुझे होता है A के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, A के जगह क्या लिखेंगे? dV अपॉन dt लिखेंगे, इज इक्वल टू 2t. ये इंटीग्रेबल तो है नहीं, इंटीग्रेबल कर लिया, dV इज इक्वल टू क्या कर लिया? 2t dt. मुझे तो इतना सबको समझ में आया. सेम चीज जो मैंने पहले किया, वो सेम चीज मैंने यहाँ पे किया. अब सब लोग सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आप बहुत सारे लोग गलती करने वाले, ठीक है, मतलब मैं कुछ कुछ क्वेश्चन दूंगा गलती करने वाले. यहाँ पे देखो, कार इज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब मुझे बताओ, इनिशियली एट रेस्ट एंड इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0. इसका मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज कितनी? 0. एंड इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी कितना, मतलब यहां पे टाइम t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? जीरो. ठीक है, तो ये इनिशियल कंडीशंस अपने को क्वेश्चन से मिली. कहीं ध्यान में रखना, क्वेश्चन से अपने को इनिशियल कंडीशन डिराइव करनी पड़ेगी. ठीक है, अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा ऐसे, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 0. देखो दोनों का इनिशियल लिमिट, मतलब लोअर लिमिट क्या हो जाएगा इस केस में? 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला है. मैं क्वेश्चन चेंज भी कर सकता हूं. ठीक है, एट टाइम t फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार इज, एट टाइम t फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार कितना है? v है. तो अब मुझे तो यहां पे मैं इसको उसका मतलब इंटीग्रेट करूंगा, तो इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पे? तो dv का इंटीग्रेशन आ जाएगा v, और 2t का इंटीग्रेशन 2t² / 2, तो आंसर कितना आएगा? t स्क्वायर. तो v इज इक्वल टू कितना आएगा? t स्क्वायर लिमिट डाल के. तो v इज इक्वल टू क्या आ गया? t स्क्वायर आ गया. ठीक है, अब वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 1 2 3 आप निकाल सकते हो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर. तो 1 फिर 4 मीटर पर सेकंड एंड 3 पे टाइम t इक्वल टू 3 पे 3 स्क्वायर मतलब 9 मीटर पर सेकंड, राइट? तो ये तो आप निकाल सकते हो वेलोसिटी एट अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइम. समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये होने के बाद मतलब मुझे क्या निकालना? इक्वेशन. पहले इक्वेशन फाइंड आउट करो, vt का इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया. अब मुझे बताओ, एक बार vt मिल गया, vt से ht कैसे निकालेंगे वापस? अरे at से vt इंटीग्रेशन, vt से ht भी क्या? इंटीग्रेशन. तो अब मैं यहां पे लिखता हूं, मैं यहां पे लिखूंगा, देखो यहां पे वापस चाहिए तो एक ये लिख देता हूं, v इज इक्वल टू क्या? t स्क्वायर मिल गया ना मुझे, इसको इधर लिख दिया, v इज इक्वल टू क्या लिख दिया? t स्क्वायर. अब v को क्या डालेंगे? ds अपॉन dt. v को क्या डालेंगे? ds अपॉन dt इज इक्वल टू t स्क्वायर. फिर dt यहां पे चला गया, तो ds की वैल्यू क्या आई? t स्क्वायर dt. समझ में आ रहा है? फिर क्या करेंगे यहां पे? इंटीग्रेशन के लिमिट्स डालेंगे. क्या है? टाइम t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम t इज इक्वल टू t पे डिस्प्लेसमेंट s है, बस काम खत्म हो गया. तो यहां से मुझे आंसर क्या मिला? s की वैल्यू कितनी मिली, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी मिली? t³/3. तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था. समझ में आ गया आपको कैसे करना है? सेम जो मैंने ब्रेक के पहले बताया था, वही ब्रेक के बाद बताया. कोई भी इसमें पंगा है गाइस? कोई भी इसमें पंगा है? अब ध्यान में रखना, टाइम t इक्वल टू 1 2 3 वाला लिमिट मत डालो यहाँ पे गाइस, इसमें डायरेक्टली फिर टाइम t इक्वल टू 1 2 3. एक बार इक्वेशन मिल गया, तीन तीन लिमिट डाल के तीन तीन इक्वेशन मत सॉल्व करो. अब इसमें टाइम एक बार 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, वेलोसिटी निकाल दूंगा. तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी? टाइम इक्वल टू 1 पे 1 आ जाएगी, टाइम t इक्वल टू 4 पे कितना जाएगा? 4 आ जाएगा, टाइम t इक्वल टू 3 पे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा. ठीक है, वैसे डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 1 पे 1/3. ठीक है,
टू पे 8/3 एंड 3 पे 27/3 बराबर गई मतलब 9। ये समझ में आया सबको गई? क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है? नहीं समझ में आया मतलब एटलीस्ट कंसेप्ट समझ में आया सबको। लास्ट के एक आध दो में एडवांस क्वेश्चन दे दू, मतलब अच्छे क्वेश्चन दे दू लास्ट में। नहीं एक काम करते, एक नॉर्मल क्वेश्चन देते, पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन फिर अच्छा क्वेश्चन, पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन फिर अच्छा क्वेश्चन, कोई दिक्कत? एक नॉर्मल क्वेश्चन गाइस फिर अच्छा क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन नंबर जो 3 छोड़ दिया था वो अपन करेंगे वापस, ठीक है? पहले इसको लिख दो, इसको लिख दो गाइस, इसको लिख दो। एक और एग्जांपल, एक सेकंड एग्जांपल भाई, मतलब एक सेकंड एग्जांपल और फिर अपन एग्जांपल 2। सब लोग यहां पे देखो, कार मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन हैज, मतलब मैं वेलोसिटी वगैरह का पूरा वो नहीं लिखता, मैं सिर्फ यहां पे हैज वेलोसिटी v इज इक्वल टू ऐसा लिख देता हूं यहां पे, ठीक है? सब लोग यहां पे देखो, हैज वेलोसिटी v इज इक्वल टू, सब लोग यहां पे देख लो, ठीक है, 2t square, ठीक है, या फिर एक काम करते 3t square, 3t square at time t is equal to 0, एक मिनट, at time t is equal to 0, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, at time t is equal to 0, the displacement of the car was 3 meter, ठीक है? Then find acceleration and the displacement of the car, ये कितना होगा दोनों का, at time t is equal to 2 seconds, 2 seconds के बाद कितना होगा, या at 2 seconds find the displacement and the acceleration of the car, बताओ। यहां पे कुछ नहीं, एक छोटा सा मैंने चेंज किया है, ठीक है, छोटा सा मतलब कुछ तो चेंज किया, मतलब कुछ क्या चेंज किया आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं, लिमिट चेंज की, बाकी कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है?
इसमें क्या इजी है सबसे, मुझे बताओ, वी वी दी है, देखो वी दी है, तो यहाँ पे वीटी से एटीबी जाना है, एसटीबी जाना है, मतलब एक बार ऊपर जाना है एक बार नीचे जाना है, तो दोनों चीजें करनी है, डेरिवेटिव भी इंटीग्रेशन भी, इसमें डेरिवेटिव भी करना है इंटीग्रेशन भी करना है, ध्यान में रखना ठीक है, क्योंकि वीटी का इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखो सब लोग, यहाँ पे देखो, अब v इज इक्वल टू क्या है, 3t square, इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे भाई, एकदम सिंपल, v इज इक्वल टू 3t square, सबसे सिंपल क्या होता है, डेरिवेटिव करना, dv अपॉन dt नथिंग बट व्हाट, एक्सेलरेशन, तो ये तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा 60, तो a इज इक्वल टू 60 आ गया, टाइम t इज इक्वल टू कितना, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो टाइम t इज इक्वल टू 2 पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 m/s², काम खत्म हो, ठीक है, एक्सेलरेशन तो बहुत ही इजी था, एक्सेलरेशन तो हो गया। डिस्प्लेसमेंट, अब ये तो था डेरिवेटिव, देखो यहाँ पे, ये तो मैं इसको लिखता हूँ डेरिवेटिव, देखो यहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों करना पड़ा, ये तो था डेरिवेटिव, अब मुझे बताओ सेकंड केस में क्या करना पड़ेगा, सिंपल यार, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या था, 3t square था, तो v को क्या लिख सकते, आइदर dv अपॉन dt करेंगे तो एक्सप्रेशन मिलता है, v को हम लोग क्या लिखेंगे, ds अपॉन dt, तो इसको ds अपॉन dt में डाल दूंगा, 3t square इंटीग्रेबल फॉर्म लाऊंगा मैं, 3t square dt, अब यहाँ पे एक पंगा है, क्या पंगा है बताओ मुझे, कोई बोल सकता है, जब यहाँ पे मैं इंटीग्रेट करूंगा तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, गाइज लिमिट देखो, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0 था क्या, 3 था, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, 3, तो ये लिमिट सबको समझना जरूरी है, ठीक है, तो 0 पे 3 था, तो टाइम t पे कितना होगा, s होगा, s काम खत्म हो गया, इसको अपन डाल देंगे ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s, और तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, मैं लिमिट अभी भी यहाँ पे लिमिट भी लिखता हूँ, ठीक है, आपको समझने के लिए लिमिट भी लिखता हूँ, यहाँ पे s हो जाएगा, लिमिट आएंगे फ्रॉम 3 to s, ठीक है, और यहाँ पे लिमिट क्या आएंगे, ये 3t³/3, मतलब t³, यहाँ पे लिमिट आएंगे 0 से t, समझ में आ रहा है, तो एक बार s डालो एक बार 3 डालो तो इसमें आंसर क्या आएगा, s-3, और यहाँ पे एक बार t डालो तो t³, तो मुझे तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी, t³+3, ये मेरा आंसर आएगा, सबका है क्या आंसर, तो मुझे होता है डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 2 कितना होगा, 2³ मतलब क्या, 8+3 कितना, 11, तो डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 2 टाइम 2 डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 11, समझ में आ रहा है गाइस, 11 m, कैसे काइनेमेटिक्स में यूज होता है समझ में आया गाइस, नील वैसा भी कर सकता है लेकिन अभी ये हैबिट डाल दे, ये वाला हैबिट इस तरीके से डाल दे, क्योंकि एडवांस में कुछ अच्छे क्वेश्चन आएंगे जहां पे गलती कर दोगे तुम, दोनों जगह पे लिमिट आते हैं, इधर इधर भी, और फिर ग्राफ में भी मुझे कनेक्ट करना है बाद में, ठीक है, एडवांस के भी जो कुछ क्वेश्चन होते हैं ग्राफ वाले वो भी बहुत अच्छे ट्रिकी हो जाते हैं, ठीक है, तो मुझे बताओ ये समझ में आया, पहले बेसिक समझना जरूरी है, ठीक है, जो अपन एक अच्छे लेवल पे कर ले, फिर मतलब जो बहुत अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो कराऊंगा धीरे धीरे मैं, क्योंकि एडवांस के लेक्चर तो बहुत सारे होने ही वाले हैं, शाम को ट्यूटोरियल सॉल्विंग आपकी होने ही वाली है, ठीक है, जिसमें बस वही है, सीईटी के वजह से हम लोग रुके नहीं, तो अभी तक एक दो लेक्चर तो हो ही जाते हैं, चलो मुझे तो ये समझ में आया तुमको सबको गाइस, ये समझ में आया, लास्ट स्टेप आप लोग खुद देख लेना गाइस, खुद देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, यस में ओके, एस माइनस थ्री के, अरे एस डालो, अरे अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल के सब्ट्रैक्ट करते ना, एक बार एस के जगह एस डालो, एस के जगह थ्री डालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो एस माइनस थ्री हुआ, ठीक है, लोअर लिमिट मतलब क्या, स्टार्टिंग वाला पॉइंट, फाइनल पॉइंट मतलब क्या, अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट को हम लोग इनिशियल पॉइंट बोल सकते हैं, और अपर लिमिट को हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल पॉइंट, समझे,
अब जिनको ये समझ में नहीं आया गाइस रिकॉर्डिंग देख लेना प्लीज गाइस, ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी तुमको। चलो एक अच्छा क्वेश्चन गाइस, अभी एडवांस का क्वेश्चन, बाकी अभी मतलब एडवांस क्वेश्चन नहीं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, नॉट एग्जैक्टली एडवांस, ठीक है। अब अ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, वापस अ कार ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे लिखा है कार ट्रेवलिंग, ठीक है, अलोंग स्ट्रेट लाइन, सेम कुछ ज्यादा वो नहीं है लेकिन थोड़ा सा अलग वाला यूज कर, ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इट हैज एन एक्सेलरेशन, हैज एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी लिखी है, यहाँ पे मैं यहाँ पे ए की वैल्यू लिखता हूं, ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो 2s, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फाइंड वेलोसिटी v व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर, फाइंड वेलोसिटी v ऑफ द ट्रेन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर, निकालो, सेम टाइप का क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन सेम टाइप का है, थोड़ा सा आपको लेकिन कौन सा वाला फॉर्म यूज करना पड़ेगा, दिख तो गया ही होगा a इज इक्वल टू 2s दिखा है, कौन सा वाला फॉर्म यूज करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था ना ds अपॉन dt, dv अपॉन dt मत यूज करो, क्या यूज करना है, देखो फाइंड वेलोसिटी v व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, नॉट ए एडवांस का नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन ही है, ठीक है, लेकिन अब ds अपॉन dt, dv अपॉन dt नहीं, थर्ड वाला फॉर्म, अपना थर्ड वाला फॉर्म, लास्ट का क्वेश्चन है, जरा करो एक बार करो, ठीक है, करो इस क्वेश्चन को, ऐसे मेरा बैटरी जाएगा गाइस, मेरा बैटरी जा सकता है कभी भी, 5% बैटरी, एक मिनट रुको, एक मिनट, ये क्वेश्चन कर लो आप लोग, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो करो, क्योंकि बैटरी जाएगा मेरा, 1% स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया क्या क्वेश्चन, ये लास्ट का क्वेश्चन था वैसे, ठीक है, कैसे करोगे ये क्वेश्चन, मतलब ये एक्चुअली सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, मतलब बहुत सारे लोग तो निकल गए, लेकिन यहाँ पे देखो जो लोग बचे हुए हैं, क्या करोगे बताओ मुझे इसमें गाइस, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कितना है 2s, a 2s, तो एक के जगह क्या डालेंगे यहाँ पे, एक के जगह क्या डालेंगे भाई, एक के जगह तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, v dv अपॉन ds इज इक्वल टू 2s, तो यहाँ पे ds इधर लेके जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v dv इज इक्वल टू क्या, 2s ds, समझ में आ रहा है गाइस, अब मुझे बताओ ये कौन सा फॉर्म बन गया, ये क्या बन गया, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, अब यहाँ पे एक सिंपल चीज, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें दी नहीं है, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसमें जीरो मान लो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी जीरो, डिस्प्लेसमेंट एस, वेलोसिटी वी, तो मुझे बताओ जब यहां पे मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इसका आएगा क्या आंसर, वी स्क्वायर अपॉन टू लिमिट जीरो से वी, और इसमें क्या टू एच डी एस, तो एस स्क्वायर अपॉन टू, तो यहां पे अपन क्या डाल लेंगे, एस स्क्वायर, ठीक है, एस स्क्वायर अपॉन टू, टू टू कैंसल,
लिमिट क्या डालेंगे, जीरो से एच, लिमिट्स भी अलग अलग हो सकते हैं, अभी तो अभी के लिए तो मैंने ऐसी लिख दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, टू एच स्क्वायर। तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, मतलब अंडर रूट ऑफ टू इंटू एच, समझ में आ रहा है, टू रूट टू, समझ में आ रहा है आंसर। तो गाइस ये इक्वेशन निकालना जरूरी था। अब मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं, ठीक है। मैंने आपको आज का जो टॉपिक अभी तक का जो बताया एकदम, मतलब आपको समझने वाली चीजें मैंने बता दी, ठीक है। लेकिन आपको समझ में है कि कैसे तीन फॉर्मूले कैसे काम आते हैं सब जगह पे, अरे तीन फॉर्मूले कैसे सब जगह पे काम आते हैं, v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, डीवी अपॉन डी टी एंड v डीवी अपॉन डी एस, और इसका हर एक का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कभी करो कभी इंटीग्रेशन करो, कभी डेरिवेटिव कभी इंटीग्रेशन, ठीक है। अरे v स्क्वायर कैसे आया ये देखो ना, यहाँ पे v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v dv क्या होता है, v स्क्वायर बाय 2, s ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, s स्क्वायर बाय 2, तो इसलिए तो आया ना, ठीक है। चलो गाइस सिर्फ इतना ही बताना था मुझे, मतलब एटलीस्ट आप लोग को एक समझ में आ गया कैलकुलस का। अब सेकंड लेक्चर जो होगा, मतलब मंडे का लेक्चर, इसमें मैं वही कैलकुलस सेम चीज ग्राफ के साथ जोड़ दूंगा, तो ग्राफ के साथ आपका कनेक्शन हो जाएगा। कृष्णा क्या डाउट है मुझे यहाँ पे पूछ ले, ठीक है। बाकी अभी जो भी डाउट तुझे होगा यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज दे, ठीक है। चलो इतना समझ में आया, बाय कर लो गाइस। बाद में अभी कुछ कुछ डाउट आपके रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, कुछ कुछ डाउट रहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अभी तक मंडे का लेक्चर बचा हुआ है अपना, और एक लेक्चर इसके ऊपर पूरा का पूरा बचा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस एंड कुछ ग्राफ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, फिर एडवांस के लेक्चर्स में लूंगा ही लूंगा, जिसमें और अच्छे लेवल पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। एक बार जिन लोग को समझ में नहीं आया एक बार वापस ये देख लेना। रिकॉर्डिंग देख लेना, बाय गाइस।